कल हमने मिश्र बंधु के बाद में रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखा था। रामचंद्र शुक्ल ने इसे अपनी किताब में कितने वर्ग में बांटा था, आपके कितने वर्ग में, मिश्र बंधु ने 8 वर्ग में, इन्होंने 4 चरण में बांटे थे। प्रथम चरण को क्या कहा, आदिकाल या दीर्घाथ काल। द्वितीय चरण को कहा पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। तृतीय चरण को कहा उत्तर मध्य काल या रीति काल। और चतुर्थ चरण को कहा आधुनिक काल या गद्य काल। इसके पीछे जब इनसे पूछा गया तो इनका एक तर्क था कि आदिकाल को इन्होंने बांटा तो क्योंकि ये प्रारंभिक शुरुआत थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा। इसके बाद आए हमारे रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा तो देखिए ग्रियर्सन से प्रभावित हुए मिश्र बंधु, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन से प्रभावित होकर रामचंद्र शुक्ल ने 4 चरण में बांटा, उन्हीं से प्रभावित होकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन को क्रम से बताइए, ये परीक्षा में आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके रामकुमार वर्मा जिनके द्वारा इसका जब काल विभाजन किया गया तो जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे उनकी इसमें खुशियां क्या थी कि शुक्लोत्तर इतिहासकारों में हम रामचंद्र शुक्ल के बाद में जानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। तो पहले के समय में जैसे कि नामकरण के लेकर बात की गई थी ना कि उस समय के जो साहित्यकार थे, उस समय के साहित्यिक रचनाओं का जो प्रवाह था उसके अनुसार उसका नाम रखना चाहिए, तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से भारतेंदु युग बना, महाविप्रसाद द्विवेदी से द्विवेदी युग बना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शुक्ल युग बना। उसके बाद जितने भी चरण के कवि आए उस समय की विशेषताओं ने छायावाद को जन्म दिया और छायावाद इन कवियों के अंतर्गत हम जितने भी कवि को पढ़ते हैं वो सब हमारे लिए शुक्लोत्तर युग के कवि माने जाते हैं, शुक्ल के बाद के कवि शुक्लोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। इस रामकुमार वर्मा की खासियत क्या थी कि हिंदी साहित्य का इन्होंने आलोचनात्मक इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। यह अधूरा ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इन्होंने पूर्णतः उसमें सारे कालों का वर्गीकरण जो है वो नहीं किया था। तो जो रामकुमार वर्मा है जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये उन्होंने 1938 में लिखा था। कब लिखा था, 1938 में। क्या नाम था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। एक अधूरा ग्रंथ क्यों माना गया, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्होंने आपके केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन किया है, उसके बाद के जो काल है जैसे कि रीति काल हो गया, जैसे कि आपके आधुनिक काल हो गया, उसका वर्णन इनके द्वारा वहां पर किया नहीं गया था। अब भक्ति काल की दो धारा थी जी, कौन सी, आपकी सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी। निर्गुण मार्गी की दो धाखा थी, एक तो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञान वाला कहता है जब तक मैं किसी को जानता नहीं मैं कैसे उससे प्यार करूं, मैं तो जानता ही नहीं तो मैं प्यार करूं तो कैसे करूं। ज्ञान वाला कहता है जब तक मैं किसी को नहीं जानता मैं प्यार तो कर ही नहीं सकता। तो ज्ञान वाले ने ज्ञान को प्राथमिकता, प्रेम को द्वितीय स्थान दिया, और प्रेम वाले ने प्रेम को प्रथम और ज्ञान को द्वितीय स्थान दिया। तो जो ज्ञानाश्रय शाखा थी और आपकी जो प्रेमाश्रय शाखा थी, इन्होंने ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञान मार्गी काव्य नाम दे दिया और प्रेमाश्रय को प्रेम मार्गी शाखा या प्रेम काव्य के नाम से उसको स्थान जो है वो दिया था। इनके अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है, एक भाषा साहित्यकार थे, तो इनके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू नामक एक कवि को माना जाता है। और इनके अनुसार जब इन्होंने इसका वर्गीकरण किया तो प्राकृत भाषाओं में शुरुआत की जो अपभ्रंश की पहले की भाषा थी उनको इन्होंने स्थान दिया और इन्होंने इसके 4 वर्गीकरण कर दिए। एक रखा संधि काल 750 से 1000, यानी कि ये रामकुमार वर्मा जो है वो रामचंद्र शुक्ल से पहले के समय को ले आए। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, 1050 से 1375 विक्रम संवत को लिया था, इन्होंने क्या किया 750 से 1000। इनके पीछे मकसद क्या था, इनका कहना है कि संधि का मतलब है इस समय हमारे भारतीय परिवेश में सांस्कृतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर कुछ भाषाओं के साहित्य की संधि हो रही थी। जो सिद्ध थे, नाथ थे, साहित्यिक जो प्रभाव धर्म पर बढ़ रहा था उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा था, क्योंकि 700 से 1000 करे तो अपभ्रंश के पहले, यानी कि अपभ्रंश के पहले प्राकृत की शाखा,
पाली भाषा जहां गौतम बुद्ध थे, प्राकृत भाषा जहां जैन मुनि महावीर थे, इसलिए इन्होंने इसका समय क्या रखा, संधि काल का रखा। ठीक, फिर ये कहते हैं कि चारण काल है 1000 से 1375। इसके पीछे मकसद क्या रहा इनका, उसका वर्गीकरण करने का, क्योंकि उस समय राजा श्रेय में होते थे राजकवि, और अपने आश्रयदाता जो राजा थे, जो सामंत थे, जो शासकीय शासक थे वहां, जिसके अंदर वो कार्य किया करते थे, सबसे पहला कार्य होता था उनकी स्तुति वंदना करना, उनकी प्रशंसा करना, और अपने राजा की प्रशंसा और वर्णन को केवल अपने राज्य के राजभवन के अंदर ही नहीं, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र घूम घूम कर अपने राजा की स्तुति वंदना करते थे। इसकी वजह से ऐसा ही प्रभाव किसी एक राज्य के राजा के कवि का नहीं था, हर राज्य के राजा के कवि करते थे, एक दूसरे से वो मिलते थे, भाषाओं का साहित्य का आदान प्रदान होता था। साथ ही अगर देखा जाए तो एक साहित्य दूसरे क्षेत्र के साहित्य के साथ में जाकर समाहित हो जाती थी। परिणाम स्वरूप अगर देखे तो ढोला मारू की गाथा भी चारणी भाट परंपरा से छत्तीसगढ़ में पहुंची है, राजा भर्तृहरि की जो गाथा है वो भी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में लोक गाथाओं के माध्यम से पहुंची है। इसके पीछे का रीजन क्या था, चारण काल। क्लियर हो गया। अब बारी आती है भक्ति काल। जैसे कि समय मालूम है, मुगल शासकों के आने से जहां पर भक्ति की धारा बहने लगी, कहते 500 से ज्यादा प्रकार की रचना उस जमाने में केवल भक्ति पूर्ण रचनाओं की थी, किसी ने निर्गुण ब्रह्म को तो किसी ने सगुण ब्रह्म को माना, और इस समय सगुण और निर्गुण के साथ साथ भक्ति की धारा से इस युग को भक्ति काल का समय माना जाता है। अब आप बोलेंगे 1600 से 1900, क्योंकि यहां पर टाइम क्लैश कर रहा है, आप कहेंगे कि 1375 से 1700 अगर भक्ति काल था तो 1600 कैसे आपको वैदिति काल में आएगा, है ना, दिमाग में कीड़ा काटा। तो मैं बताती हूँ क्यों। जब मुगल शासक चले गए तो राजाओं को फिर से अपना राज्य मिला, है ना, राजाओं को फिर से अपना राज्य मिला, तो राजाओं ने फिर से अपने नवरत्नों को स्थापित किया। जो कवि अपने पेट पालने के लिए देवी देवताओं से संबंधित रचनाओं को एक दूसरे को सुनाया करते थे, जंगल झाड़ी में, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, अब उनको फिर से राजाश्रय मिला, अब उनके सामने एक परंपरा आ गई कि मैं रचना करूं तो कैसे। इसलिए उस कवि ने क्या किया, जो रीति काल के तौर पर क्या किया, जो रीति पद्धति नियम ढंग और कायदा जो महाकाव्यों को लिखने के लिए भक्ति काल में किया जा रहा था, चाहे वो सगुण मार्गी हो चाहे वो निर्गुण मार्गी हो, उन्हीं के रीति नियमों से बंधकर अब दरबारी जो राजा थे उसकी खूबियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाओं को अंजाम देने लगे। तो रीति काल को दरबारी संस्कृति का काल मानते हैं, आश्रयदाता की स्तुति वंदना ही नहीं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मतलब तमाम प्रकार की चीजें, रीति नियम से बंधी ब्रज भाषा का प्रयोग। तो जो राधा कृष्ण का प्रेम था भक्ति काल में, जो राधा कृष्ण का प्रेम था, अब यहाँ नायक और नायिका के प्रेम में बदल गया, परंपराएं और नियम साहित्यिक रचनाओं के वही रहे, इसलिए इसे रीति काल का। तो इसी को उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति का दौर और उत्तर मध्य काल को रीति का दौर माना जाता है। अब बारी आती है 1900 से लेकर अब तक, माना कि 1857 की क्रांति के बाद पूरा देश अपने राज्य को आजाद कराने के बारे में सोचने लगा, इसलिए भक्ति की धारा और राजदरबारी धारा से आम साधारण जनता की बातें जनता तक पहुंचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन को और उग्र रूप बनाने के लिए आधुनिक काल की शुरुआत हुई, जहां एक ऐसी बोली का चयन किया गया जो जन साधारण व्यक्ति के समझ में आने वाली हो, इसलिए खड़ी बोली को चुना गया। उस समय समाचार पत्र पत्रिकाओं का जन्म हो चुका था, अधिकांश समाचार पत्र और पत्रिकाएं स्थानीय क्षेत्र विशेष में भी थी, कि कलकत्ता में थी हमारे लिए बांग्ला, धीरे धीरे हर छोटे छोटे क्षेत्र विशेष में उस अंचल की खबरें लोगों के सामने प्रकाशित की जाती थी। इस समय हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है और गद्य की शुरुआत हुई, इसलिए इस काल को आधुनिक काल के नाम से भी पुकारा जाता है। थोड़ा सा नया रूप देने के लिए आपके आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल, भक्ति काल, रीति काल तो वही रखा, पर इन्होंने टाइम पीरियड बीच से ले लिया, जैसे कि इन्होंने 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य को माना इन्होंने
आपके भक्ति काल, उसके बाद 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं के बीच को उन्होंने रीति काल माना और इसी रीति काल को प्रेम मार्गी काल के भी नाम से पुकारने लगे, जो आधुनिक काल है। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी आधुनिक काल को फिर से वर्गीकृत किया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऐसे उन्होंने वर्गीकृत किया। उन्हीं से प्रभावित हुए कौन? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आधुनिक काल की चीजों को बांटा। उनके अनुसार पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को, सुधार काल द्विवेदी युग को और छायावादी युग कहा गया। इसके जनक मुकुटधर पांडे को माना जाता है। छायावाद के बाद नई नई प्रगति हुई कविता के क्षेत्र में, नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए, इसके प्रगतिवाद और प्रयोगवाद कहलाया। इसके बाद नव लेखन, नई कविता। 1950s के बाद में जब भारत स्वतंत्र हो गया, हर व्यक्ति आजादी महसूस करने लगा, तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने मन के अनुभव को, कुछ अपने मन की कल्पनाओं को कविताओं और साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने लगे, जो पूरी तरह से स्वच्छंद भाव से लिखे जाते थे, तो उसे नई कविता या नव लेखन का युग माना जाता है। इसी तरह देखने वाली बात है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तीन बदले। आदिकाल को इन्होंने कह दिया बाल्यावस्था, भक्ति काल को कह दिया इन्होंने किशोरावस्था और आधुनिक काल को कह दिया युवावस्था। इसी प्रकार धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने भी इसके वर्गीकरण किए। राहुल संकृत्यायन के द्वारा भी नए नए नाम दिए गए। कुल मिलाकर चाहे हम उस समय के अलग अलग नाम को देखें, इस टाइम पीरियड मुश्किल से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस वाला है, बाकी हर किसी ने इसकी शुरुआत जो है वो आपकी आदिकाल से ही मानी है। सबसे ज्यादा परेशानी का काल अगर किसी के नाम को डिस्टर्बेंस करने वाला था तो वो था हमारा आदिकाल। भक्ति काल को सभी ने भक्ति काल कहा, रीति काल को सभी रीति काल, कला काल, श्रृंगार काल कहा, प्रेम मार्गी काल कहा, भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा, ठीक है ना। लेकिन जो आदिकाल था वो हमेशा से अपने लिए किसमें पहचान लगा, आदिकाल को सभी कवियों के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा गया था। इसके अंतर्गत देखा जाए तो गृहस्थ से चारण काल कहते हैं, चारणी भाट परंपरा थी, वैसे ही मिश्र बंधु इसे प्रारंभिक काल कहते हैं क्योंकि इसकी यहां से शुरुआत हुई थी। रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार राहुल संकृत्यायन इसे सिद्ध सामंत युग कहते हैं, महारूपसाद बीज वपन काल कहते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राम कुमार वर्मा को चारण और संधि काल कहते हैं और कुछ इसे अपभ्रंश काल कहते हैं। क्यों कहते हैं अपभ्रंश काल? क्योंकि अपभ्रंश के समय जो प्राकृत भाषा और पाली भाषा थी और इसी अपभ्रंश की पश्चिम में थी शौर सैनी, इसी शौर सैनी में थी राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, है ना। इन सभी ने अपने आप को बोली भाषा से हटकर किस नाम में प्रस्तुत कराया, इन्होंने अपने आप को इन्होंने अपनी साहित्यिक भाषा के तौर पर दर्जा दिलाया और इस समय इसके अलग अलग नाम जो है वो प्रस्तुत हुए थे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस साहित्यकार के द्वारा कौन सी किताब है जो लिखी गई थी, ठीक है। अब बारी आ जाती है किसकी, अब बारी आती है भक्ति काल के मध्य काल। अब मध्य काल की बात करते हैं तो ये हमारे लिए मध्य काल नहीं है बल्कि ये हमारे लिए रीति काल है, ठीक है ना। रीति काल का नामकरण, इसे हम उत्तर मध्य काल कह सकते हैं, इसे हम उत्तर मध्य काल कह सकते हैं, इसको मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं। रीजन क्या है? जो आपका रीति काल था जहां ब्रज के राधा कृष्ण का प्रेम, राम और सीता का प्रेम नायक और नायिका में कन्वर्ट हो गया, है ना, इसलिए उसके काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अलंकारों की प्रयोग किए जाने लगे। न केवल शब्द अलंकार, ज्यादा से ज्यादा अर्थ अलंकार, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, ये जितने प्रकार के अलंकार थे उसके सबसे ज्यादा प्रयोग होने की वजह से इसे अलंकार काल के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं। नई नई एक्सपेरिमेंट किए गए और काव्य का जो कला है, जो स्वरूप है, बहुत अलग ढंग से निखर कर आया, इसलिए रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे कलाकाल के नाम से पुकारते हैं। साथ ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछता है श्रृंगार, अब श्रृंगार क्यों, नायक नायिका है तो संयोग है तो विरह भी है, मिलना है तो बिछड़ना भी है। श्रृंगार रस की अधिकता थी, अलंकारों के साथ साथ श्रृंगार रस की अधिकता थी और श्रृंगार के दोनों पक्षों का भरपूर प्रयोग किया गया।
न केवल संयोग श्रृंगार का बल्कि वियोग श्रृंगार का भी इस्तेमाल हुआ। इस श्रृंगारिकता के प्रभाव से इसे श्रृंगार काल का नाम जो है वो दिया गया था। लेकिन पूर्व मध्य काल को क्या कहा गया? ये देखिए भक्ति काल है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पूर्व मध्य काल। और रीति काल को क्या कहते हैं? उत्तर मध्य काल। क्लियर हो गया? इसे भक्ति काल, पूर्व मध्य काल या साहित्य काल कहते हैं, ठीक है। और भक्ति काल को साहित्य जगत का स्वर्णिम युग माना जाता है। क्लियर हो गया? अब बारी आती है किसकी? आधुनिक काल। आधुनिक काल सभी ने कहा है ना, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उसे युवावस्था कहा है ना, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उसे युवावस्था कहा, लेकिन मोस्ट ऑफ जो आपके राइटर थे सब ने उसे आधुनिक काल कहा। इस आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल इसे गद्य काल के नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि रीति काल तक महाकाव्य और खंड काव्य जैसी पद्यात्मक रचनाएं थी, पोएट्रीज थी, लेकिन आधुनिक काल में आकर थीसिस वर्क पर काम किया जाने लगा। इसलिए गद्य की सारी विधाएं जिसमें आकर नाटक, कहानी, एकांकी, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टार, भेंटवार्ता, डायरी संकलन, पत्र साहित्य, जितनी गद्य की विधाएं थी उसका जन्म हुआ। किसी ने उपन्यास में अपने आप को बांध लिया और उपन्यासकार हो गए, किसी ने कहानी पर अपना परचम लहराया तो कहानीकार हो गए, किसी ने एकांकी पर तो एकांकीकार कहलाने लगे। अब इसमें भी सब्जेक्ट हो गए, किसी ने सामाजिक कहानी लिखी, किसी ने जासूसी उपन्यास लिखा, किसी ने तिलस्मी उपन्यास लिखा, किसी ने सामाजिक उपन्यास लिखा, तो कोई अंचल विशेष के उपन्यास लिखते थे इसलिए आंचलिक उपन्यासकार हो गए। इस वजह से इसे गद्य काल कहा जाने लगा। मिश्र बंधु कहते हैं क्योंकि अब कविता वर्तमान समय की रचनाओं को जन्म देती थी, कविता वर्तमान समय की बातों को रखती थी। राजा भी चले गए, नायक और नायिका भी नहीं, अब वर्तमान स्थिति समाज की क्या है इस पर रचना रचने की वजह से इसे मिश्र बंधु वर्तमान काल कहते हैं, रामकुमार वर्मा आधुनिक काल। लेकिन जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल का जब रामकुमार वर्मा ने वर्गीकरण नहीं किया पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्गीकरण किया, डॉक्टर नगेंद्र ने वर्गीकरण किया, साथ ही रामचंद्र शुक्ल ने, तो जो भारतेंदु युग है रामचंद्र शुक्ल उस भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान काल कहते हैं। उत्थान मतलब फिर से एक बार हम जनरेट हो रहे हैं, फिर से हमारी एक बार उत्पत्ति हो रही है, हम वही भारतवर्ष के नागरिक हैं जो इतने वर्षों तक गुलाम थे, अब फिर से हम जागेंगे और अपने देश को आजाद करवाएंगे। तो ये हमारे लिए प्रथम उत्थान काल कहलाया। गणपति चंद्रगुप्त जो भारतेंदु युग को स्वच्छंदता का काल कहने लगे, क्योंकि हर व्यक्ति स्वच्छंद वातावरण में अपने मनोभावों को कविताओं और गद्य के माध्यम से प्रस्तुत करता था, इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल इसे पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के फिर से जागृत हो रहे हैं हम, ठीक है। और इसी प्रकार द्वितीय उत्थान काल द्विवेदी युग कहा। द्वितीय उत्थान काल के साथ साथ इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो है हमारे लिए जागरण काल या सुधार काल। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी बारी अब देखा जाए तो आपकी आती है कुछ और नाम जैसे कि छायावाद। छायावाद के कुछ और नाम है, मुकुटधर पांडे से रहस्यवाद कहते हैं, स्पष्टतावाद कहते हैं, अनोखी पद्धति है ना, तो ये आपके नोट्स में भी है कि किस युग को किस साहित्यकार ने किस नाम से पुकारा था। इससे दो बार तीन बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, ठीक है। सिद्ध सामंत युग के नाम से आदिकाल को किस साहित्यकार के द्वारा पुकारा गया है, रीति काल को श्रृंगार काल किस साहित्यकार ने उपाधि दी है, ऐसे प्रश्न बेटा आपको पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा आप इन चीजों पर ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बारी आती है कि इसके इतिहास के काल विभाजन में हम किसको लेकर चले कि कौन सा समय जो है पर्टिकुलर है, क्योंकि यहां पर तो हर एक साहित्यकार ने अलग अलग समय दिया। जैसे कि चारण काल का समय 700 से ग्रियर्सन ने माना, रामकुमार वर्मा ने भी 700 से समय माना, कुछ ने कुछ पीछे जाकर कुछ ने कुछ मध्य से समय माना। वास्तविक शुरुआत हिंदी साहित्य के काल विभाजन का किसको माना जाएगा, तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन की वास्तविक जो वर्गीकरण है सन 1000 से लेकर माना जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ठीक। अब बारी आती है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए युग विभाजन का जो है आपका प्रयोग है ना, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि सारे प्रश्न आपको बेटा यहीं से आते हैं, ठीक है, आपके नोट्स में भी है। ई लाइब्रेरी अगर ओपन करेंगे तो सारे कंटेंट वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है।
कितने बच्चे लाइब्रेरी में देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कंटेंट में है, ठीक है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, ठीक है, तो वो उसमें भी देख लीजिए, सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, और नहीं तो फिर प्रिंट होकर आपको जब मिलेगी तब आप करिएगा, ठीक है ना। लेकिन पूरी चीजें आपकी सेम टू सेम है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक। बारहवीं हिंदी कविता का विकास क्रम, जिससे अब आपको 6 नंबर तक का प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले 3 नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाता था, यानी कि सिर्फ काल विभाजन पूछते थे, बेटा ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको काल विभाजन पूछता था, साथ ही किस साहित्यकार के द्वारा इसे रचा गया है, केवल इसे ही पूछता था। अब पूछता है उसके अंदर की चीजों को, ठीक है, तो यहीं से उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे अच्छा वर्गीकरण अगर किसी के द्वारा किया गया तो बहुत सिस्टमेटिक और अरेंजिंग ढंग से अगर किसी ने किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में एक किताब आई थी, हिंदी साहित्य का विकास नामक, जिसके अंतर्गत उन्होंने चीजों को मेंशन किया था। अपभ्रंश से लेकर उन्होंने साहित्यिक भाषा में हिंदी को माना था, परंतु जब उसको नए रूप में उन्होंने लिखा तब हिंदी साहित्य के इतिहास नामक किताब में उसके 4 चरण कर दिए। और वो चरण कौन से थे? प्रथम चरण को वीर गाथा काल या आदिकाल कहा, द्वितीय चरण को भक्ति काल या पूर्व मध्य काल कहा, तृतीय चरण को रीति काल, और चतुर्थ चरण को आधुनिक काल के नाम से इन्होंने पुकारा था। और इसी सारी चीजों को डिटेल करेंगे। तो वीर गाथा काल या आदिकाल आखिर क्या है, ठीक है। वीर गाथा काल या आदिकाल की बात की जाए तो सबसे पहली बात की हिंदी साहित्य का सबसे प्रारंभिक नाम होने की वजह से, सबसे प्राचीन पहला जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, यही वजह है कि इसे आदिकाल के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी बात, फिर इसे वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? इस समय राजाश्रय थे और राजाश्रय में रहने वाले जो कवि थे उनका मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा की स्तुति वंदना करना, मतलब हमेशा उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करना, उनके बारे में ही उल्लेख करना कहा जाता था। वीर रस की प्रधानता कि हर कविता जो उनके द्वारा रची गई है वीर रस की प्रचुरता देखने को मिलती है। तो वीरता और राजा के शौर्य का वर्णन, राजा की वीरता उसके शौर्य का वर्णन की प्रधानता की वजह से इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एक संदिग्धता है कि अगर राजा इतना वीर और पराक्रमी था जिसका उल्लेख किया जा रहा है तो इतने वर्षों तक हमारे ऊपर विदेशी हुकूमतों ने शासन क्यों किया? अगर इतने शूरवीर पराक्रमी शासक थे तो फिर हमारी दासता के पीछे की वजह क्या थी? तो थोड़ा सा यहाँ पर हम संदेह रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसमें ऐतिहासिकता की प्रमाणिकता का अभाव देखने को मिलता है। ऐतिहासिकता की प्रमाणिक यानी कि इतिहास में जो बातें हमने सुनी थी उसका प्रूफ क्या है, थोड़ा सा ये हमको देखने को मिलता है कि वहां पर उसकी कमी थी। अगली बात, रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य मतलब अपने आश्रयदाता की स्तुति वंदना करना। तो यहां पर इसको आलोचना की गई कि रासो काव्य परंपरा का जन्म माना जा रहा है, तो अगर रासो काव्य परंपरा की बात की जाए तो ये रस से परिपूर्ण कविता कभी नहीं थी। जो राजा कीर्तिधर थे जिसकी रचना कीर्ति पताका मानी जाती है, उस कवि की रचना कीर्ति पताका मानी जाती है, उसमें राजा कीर्तिधर की वीरता का कहीं उल्लेख नहीं था, बल्कि उसके स्तुति वंदना था कि मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा वैसा है, मेरे राजा ने ये किया, आज मेरे राजा ने शेर का शिकार किया, ऐसी ही चीजें उसमें देखने को मिलती है। इस प्रकार की धारा की 3 विशेषता थी इस समय की जब रचना रची गई थी, तो 3 विशेषता थी, धार्मिकता पर आधारित, दूसरी थी वीरगाथात्मक पर आधारित, और श्रृंगारिकता। अब वीरगाथात्मक तो समझ में आ गया कि राजा की वीरता, श्रृंगारिकता का वर्णन क्या है? भैया राजा भी तो है, हैंडसम ड्यूड, सिक्स पैक आब है, रबुला छबीला गठर बदन है ना, भ्रमी तनी हुई है, मुझो पर ताव है ना, नायिका उसकी पटरानी बनने के भी उत्सुक है। उस समय की अगर स्थिति देखी जाए तो धार्मिकता के साथ साथ उसके श्रृंगारिकता और उसके आपके रासो काव्य का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें उपदेश मूलक। अब उपदेश मूलक क्या था? धर्म। धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म के अनुसार हमारे कर्तव्य क्या है? हमें धर्म से क्या चीज अपने समाज के विकास के लिए सहायक है? तो उपदेश मूलक, क्योंकि इस समय संधि हो रही थी धर्म की,
है ना, संधि काल के अनुसार, रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो इस समय उपदेश जो दिए जा रहे थे, उन उपदेशों का हमारे ऊपर प्रभाव क्या था? उपदेश रसायन चंद्रबाला पृथ्वीराज रासो। अब ये जो पृथ्वीराज रासो था, ये हमारे लिए दीर्घाथात्मक था। धार्मिकता में हमारे लिए क्या थी बेटा? उपदेश मूलक रचनाएं थी जो हमें उपदेश देती थी। अब श्रृंगारिकता की बात करो, हमीर काव्य रासो, बीसल देव रासो, इसमें राजा की श्रृंगारिक सौंदर्य का वर्णन जो है वो किया गया था। यहां दो प्रकार के काव्य रचे जाते थे, एक तो प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। कल ही मैंने बताया, कोई चीज अननेसेसरी मैं नहीं बताती हूं, क्योंकि सारी चीज आपको रिलेट करेंगी। कल मैंने बताया था, ऐसी रचना जो नियमों से बंधी हुई होती है, शुरू से लेकर अंत तक अगर रस अलंकार छंद के नियमों से अगर बंधी हुई रचना है, तो प्रबंध काव्य कहलाता है। इस प्रबंध काव्य में ही थे महाकाव्य और खंड काव्य, और एक थे हमारे लिए मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य में महाकाव्य क्या था? किसी चरित्र प्रधान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन जहां हो, उसे महाकाव्य कहते हैं। उस महाकाव्य में उसके जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख हो, तो वही खंड काव्य बन जाता है। और उसमें ना रामायण अगर महाकाव्य है, तो पंचवटी खंड काव्य हो जाएगा, सुंदरकांड खंड काव्य हो जाएगा, अयोध्या कांड पढ़ेंगे तो खंड काव्य हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। और इस समय महाकाव्य और रासो काव्य परंपरा के अनुसार राजा जो कीर्ति पताका राजा कीर्तिधर के बारे में लिखा गया था, और रासो काव्य मतलब अपने राजा की वीरता के शौर्य का वर्णन, महाकाव्य के तौर पर किया तो प्रबंध काव्य हुआ। कुछ ऐसी रचनाएं थी जो मुक्तक काव्य थी। मुक्तक काव्य क्या होती है? जो नियमों से पूरी तरह से स्वच्छंद होती है, ऐसी रचना जिसमें नियमों का बंधन नहीं होता। इस समय खुसरो की पहेली, अमीर खुसरो है ना, इन्होंने खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग किया था और कह मुकरियों को और पहेलियों को जन्म दिया था। इसकी खासियत क्या होती है कि जो दोहे होते हैं, है ना, जो दोहे हैं, यानी कि जो रचनाएं सिद्धनाथों की जो रचनाएं हैं, जो सिद्ध और जो होते थे ना, नाच और आसी सिद्ध माने जाते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंस में या पढ़ेंगे कि कितने सिद्ध हैं, कितने नाथ हैं, तो गोरखनाथ विठलनाथ ये सब नाथ है ना, वैसे सिद्ध नहीं पुरुष होते हैं, है ना। तो उसके आधार पर उन्होंने जो उपदेश दिया, उन उपदेशों को लिखा गया। तो अगर देखा जाए तो सिद्ध महापुरुष में अगर हम कहें तो बड़े बड़े संत महात्मा थे, कबीरदास भी तो संत थे, कभी थोड़ी ना थे, उन्होंने तो लिखा ही नहीं कभी, और धर्मदास ने लिखा था। क्यों लिखा था धर्मदास ने? मथुरा में मुलाकात हुई थी धर्मदास की कबीरदास जी से, ठीक है। ये धर्मदास जो बांधवगढ़ के निवासी थे एमपी के, उनकी मुलाकात मथुरा में कबीरदास जी से हुई। जीवन के शाश्वत सत्य का जो वर्णन दोहे के माध्यम से वो केवल सुनाया करते थे, धर्मदास ने सोचा कि ये संत महापुरुष जो जीवन के शाश्वत सत्य को बताते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते हैं, आज यहां न जाने कल कहां, तो क्यों ना इन्होंने जो कहा है उसमें लिखूं। तो उन्होंने कबीरदास जी से कहा, मैं लिखना चाहता हूं जो आप समाज की उन्नति के लिए सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा अगर करना तो तुमको मुझसे दीक्षा लेनी होगी, बन जाओ मेरा चेला, काम करो शुरू। तो काशी में जाकर धर्मदास ने क्या किया, कबीरदास जी से दीक्षा ली और बीजक शब्द रमायणी जितनी कबीर के दोहे वगैरह सब है उसको लिखने के लिए खड़ी बोली। और क्योंकि कबीरदास की बोली को क्या बोलते, पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं, थोड़ी सी अरबी फारसी भी है, संस्कृत भी है, ठीक है ना, लोक बोली भाषाओं का भी प्रभाव है, तो पंचमिल खिचड़ी बोलते, वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो कबीरदास की बातों को संपूर्ण तौर पर लिखने का काम किया किसने, धर्मदास ने। तो कबीर के जो बीजक शब्द रमंगे थे, तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेट नहीं करती। अगर हम दोहे की बात करें, खुसरो की पहलियों की बात करें, तो एक जो दोहा या कविता है वो दूसरे से रिलेट नहीं करता, वो वहीं खत्म हो जाता है। पर जो आपकी प्रबंध काव्य होते हैं, जिसके अंदर महाकाव्य खंड काव्य, वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो इस तरह आपकी भक्तवीर गाथा काल में दो प्रकार की रचना होती थी, तो प्रबंध काव्य संबंधित रचना और एक होती थी मुक्तक काव्य संबंधित रचनाएं। और इस तरह देखा जाए तो यहां पर साहित्य के तीन रूप विद्यमान हुए। एक तो सिद्धों की वाणी को जब लिखा गया तो वह साहित्य हमारे लिए सिद्ध साहित्य कहलाया, ठीक है। इसी प्रकार जो नाथ थे, गोरखनाथ विठलनाथ ऐसे जो नाथ से उनकी रचनाओं को जब लिखा गया तो नाथ साहित्य कहलाया, और इसी प्रकार राजा की वीरता का वर्णन था तो रासो काव्य परंपरा बन गई, ठीक है।
अगली बारी कि इस समय की सबसे बड़ी खूबी क्या थी। इस समय चूंकि आश्रयदाता जो राजा थे केवल उसकी स्तुति वंदना करनी है और कुछ भी काम इनको करना नहीं है। इसलिए जो जन साधारण मनुष्य थे ना, जो समाज में रहने वाला चाहे गरीब हो अमीर हो, उससे उसकी रचनाओं में कोई भी स्थान नहीं था। इस समय उस आश्रयदाता की स्तुति वंदना ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखती थी। तो जन साधारण जो मनुष्य है उसकी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं थी। उसके जितने भी दुख दर्द है वो स्वयं उसके हुआ करते थे, कवि की रचनाओं में कभी उसको स्थान मिला नहीं था। तो जन साधारण की भावनाओं की उपेक्षा की जाने लगी, नेग्लेक्ट किया जाने लगा। राजा जब युद्ध भूमि में जाता था, बाबा रे वो कवि न केवल लेखनी चलाने में एक्सपर्ट नहीं थे, वो तलवारबाजी में भी हुनरमंद थे। कि राजा युद्ध में गया है, अब राजा युद्ध कर रहा है और मोटिवेशनल पोएम वही उसको सुनाया करते थे ताकि राजा ओवर एक्साइटेड हो जाए और युद्ध को जीत कर आ जाए, है ना। जब राजा पर कोई मुसीबत आ जाती कि वो दुश्मनों से घेर लिया जाता, कलम दबा वहीं छोड़कर जो भी अस्त्र शस्त्र हथियार मिलते थे उसका पालन करता था और अपने राजा को बचाकर लाने का प्रयास भी किया करता था। जब राजा जीत कर आ जाए तो जश्न तो मनना ही है भाई, है ना। ऐसी सिचुएशन में भरी सभा में यह चारणी भाट परंपरा थी, इसलिए अपने आश्रयदाता की स्तुति वंदना के अलावा राजा के द्वारा किए गए युद्ध का बिल्कुल सजीव चित्रण वहां पर किया करते थे और ऐसा बखान करते थे कि सुनने वाले के सामने ना आंखों के सामने वो युद्ध का जो वो चीज है ना वो दिखाई देना था। ऐसे राजा गया होगा, ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, ठीक है। दूसरी बात, चारणी भाट परंपरा थी। ये जो कवि थे वो चारण कवि कहलाते थे। चारण का मतलब होता है पैर, चरण का मतलब होता है पैर। ऐसे कवि जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर अपनी बातों को सुनाते थे उन्हें चारण कवि कहते थे। इसलिए चारणी भाट परंपरा से साहित्य एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी, इसलिए चारणी भाट परंपरा के साथ यहाँ आश्रयदाता राजा की केवल स्तुति वंदना ही किया करते थे। इनके विषय के राजा का विवाह नहीं, स्वीकार करना, विवाह करना यानी कि केवल युद्ध करना ही इनके लिए सब्जेक्ट नहीं थे। इनकी रचनाओं में केवल राजा के द्वारा युद्ध का वर्णन करना ही सब्जेक्ट नहीं होता था। राजा अगर शेर का शिकार भी कर रहा है, राजा अगर किसी रानी का अपहरण करके ला भी रहा है, कुल मिलाकर राजा के द्वारा किया जाने वाला युद्ध, शिकार यानी कि आखेट और विवाह भी इस समय के कवियों के रचना करने का विषय हुआ करता था। क्लियर हो गया। वीर रस की सबसे ज्यादा प्रधानता थी, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है, जहां श्रृंगारिकता का प्रभाव था, है ना। इसलिए श्रृंगारिकता के प्रभाव से इस समय श्रृंगार रस की भी प्रचुरता देखने को मिलती है। जहां श्रृंगारिकता का पक्ष था कि राजा के शारीरिक सौंदर्य, राजकुमारी के सौंदर्य, उनके और उनके विरोह दोनों को प्रयोग होता था, इसलिए वीरता और श्रृंगारिकता के प्रभाव से इसमें पूर्णता से अपनी रचना को अंजाम था। ना केवल युद्ध बल्कि उनके द्वारा किया गया विवाह, उनके द्वारा किए जाने वाले आखेट का वर्णन भी इस समय की रचनाओं में देखने को मिलता है। अगली बारी, इस समय राजस्थान में आपकी बोली जाती थी राजस्थानी, जो अपभ्रंश में शौर सेनी थी, शौर सेनी जो पश्चिम में बोली जाती थी, इसी शौर सेनी में राजस्थानी, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली आती थी, कन्नौजी आती थी, इसी पश्चिमी शौर सेनी में राजस्थानी, ये राजस्थानी जिसकी स्वयं की 90 प्रकार की बोलियां हैं, राजस्थान के अंतर्गत स्वयं इनकी 90 प्रकार की बोलियां हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में ना गदबा, खड़िया, कोरकू, मवासी, वैसे राजस्थान में खुद 90-95 प्रकार की बोलियां प्रयोग होती, ठीक है। तो उस समय राजस्थान की जो बोली थी, भाषा थी, जिसका साहित्य में प्रयोग किया जाता था, उसे डिंगल कहते थे। तो राजस्थानी जो भाषा के प्रयोग में साहित्यिक रचना थी उसे डिंगल साहित्य कहा जाता था, है ना। ये कैसा था, थोड़ा सा कर्कश, अगर जाना है खाना है बोलते ना, जाना खाना ना बोलते, जाना खाना, है ना, तो थोड़े से कर्कश, कानों को थोड़ा सा चुभने वाला, ठीक है, ऐसा था। ऐसे शब्द की इसमें ज्यादातर प्रयोग जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी थी उसी में ब्रज भाषा, ब्रज का क्षेत्र यानी कि हमारा कृष्ण का जन्म स्थल, इस ब्रज के क्षेत्र की जो भाषा थी उसे पिंगल कहते थे। तो राजस्थानी साहित्य को डिंगल और ब्रज साहित्य को पिंगल कहा जाता था। अब पिंगल का मतलब क्या, छंद होता है,
छंदबद्ध रचनाएं होती है, दूसरी बात ये थोड़ी सी कानों को अच्छी लगती थी। तो लोग क्या सुनना पसंद करेंगे, जो कान को दुख दे, इसलिए कि जो कानों को अच्छा लगे। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां पर आपके कर्ण प्रिय यानी कि पिंगल जो है धीरे धीरे स्थान लेने लगा और डिंगल को लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे। ठीक है, तो लोगों के बीच में पिंगल साहित्य जो है वो ज्यादा पहचान बनाने लगा। इस समय सभी प्रकार के छंदबद्ध प्रयोग जो है वो किए गए थे। ठीक है, साथ ही इस समय शब्द में कुछ गुण होते हैं, शब्द के तीन गुण होते हैं, वर्ड पावर अगर कहें और वर्ड एट्रीब्यूट कहें। किसी भी शब्द में कुछ गुण होते हैं और किसी भी शब्द में कुछ शक्ति होती है। अब बोलेंगे क्या, अगर मुझे किसी साहित्य की रचना करनी है और जिस भाव को प्रस्तुत करने के लिए अगर मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रही हूं तो वैसे ही वर्ड को यूज करूंगी ना। अगर मुझे रोमांटिक सॉन्ग लिखना है तो रोमांटिक सॉन्ग फील कराने वाली वर्डिंग यूज करूंगी ना, है ना। तो अगर किसी कविता को पढ़कर मन में ओजस्वी भाव एकदम प्राउड वाला फील आ जाता है तो रोज गुण हो जाता है, है ना। किसी कविता को पढ़ने के बाद मन में अगर उत्साह उमंग जोश का प्रभाव होता है तो वो ओज गुण बन जाता है। किसी कविता को पढ़ने के बाद में मन में बिल्कुल शांत हो जाता है, मधुरता का संचार होता है, ओह वाओ ये माधुर्य गुण हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम कोई मंदिर में जाते तो नारियल लेकर जाते हैं हम, अब हम नारियल फोड़ लिए, पंडित जी ने छोटा सा टुकड़ा दे दिया तो ही 25 रुपया का लाया, इतना समझ दोगे क्या? नहीं बोलते ना, जितना मिले भगवान, बस ऐसा हाथ कर लेते, इतना सा टुकड़ा मिले संतुष्ट हो जाते, तो प्रसाद गुण कहलाते हैं, है ना। अब अगर कहते हैं उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हूं मुंह धोलो, है ना, तो ये हमारे लिए प्रसाद गुण हो गया, है ना। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे प्रीतम का पथ अवलोकित कर, ये सिलसिला ये चाहत कर न मैंने रुझने दिया, ओ पिया ओ पिया ओ पिया, ये माधुर्य गुण हो गया। ठीक है, और अगर कहता है चमक उठी सन सन तावन में वह तलवार पुरानी थी, तो ओज गुण हो गया। वैसे ही एक साहित्य का जब अपनी गद्य रचनाओं को रचता है ना, गद्य रचनाओं को रचते समय ये मैं जो भी 3 शब्द इस्तेमाल करूंगी ना, यही आपको रिलेट करेगा ग्रामर में और प्रेसिस राइटिंग में। जब कोई बात हमें जैसी है वैसे ही कहना है तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, अभिधा प्रधान शब्द शक्ति। यह रायपुर शहर है, इस वक्त शाम के 6:15 हैं, तो बजे है, तो जो बात जैसी है वैसी है उसे अभिधा प्रधान शब्द शक्ति कहते हैं। इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपके संक्षेपण में किया जाता है। क्लियर। दूसरा होता है कि कभी कभी हम कोई बात सीधी नहीं कहते बल्कि हम एक लक्षण या टारगेट तौर पर हम उसको कहते हैं, इनडायरेक्टली अगर हम कोई चीज कहते हैं तो लक्षण शब्द शक्ति कहलाती है। अगर कोई किसी को भेजता है जाना उसको बोल के आना, नहीं नहीं मैंने, अरे तू तो शेर है मेरा, जा 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 जा, है ना, तो टाइगर वाइगर नहीं है भैया, है ना, हम तो चढ़ा रहे हैं या हम उसको इनडायरेक्टली जो है वो थोड़ा सा उसको उत्साहित कर रहे हैं। तो ये ऐसी शब्द शक्ति होती है जहां किसी बात को सीधा ना कहकर अन्यक्ति के माध्यम से कहा जाए तो उसे कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। और इसी से जन्म होता है किसका, मुहावरों का। अंधों में काना राजा, है ना, उंगली में नचाना, आंखें दिखाना, दांत काटी हो रोटी होना, इसके लाक्षणिक अर्थ होते हैं। आंख की पुतली होना कहते तो बहुत पुराना प्यारा होना होता है ना, तो इनडायरेक्टली आंसर निकलता है इसे लक्षणा शब्द शक्ति से किसका जन्म होता है, इससे जन्म होता है मुहावरों का। ठीक है, और किसी बात को हमने कह दिया और सुनने वाला उसका कोई भी आंसर लगा ले, शाम हो गई कहते हैं, तो हो सकता है हर इंसान के लिए हर जीव जंतु के लिए शाम का कुछ अलग अलग अर्थ हो, तो व्यंजना प्रधान शब्द शक्ति कहलाती है। तो इस समय जब वीर रस की प्रधानता थी ना, तो वीर और उत्साह कब बढ़ेगा, जब ओजस्वी पूर्ण शब्द के प्रभाव वाली कविताओं को रचा जाएगा। इसलिए यहां पर ओज गुण प्रधान कविताओं का जन्म हुआ था। इसी समय शब्द अलंकारों की प्रचुरता थी। शब्द अलंकार क्या होते हैं, किसी कविता के सौंदर्य को यदि शब्द के माध्यम से बढ़ाया जाए तो शब्द अलंकार है। चंद की चाचा ने चंद की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, तो 6 वर्ण का रिपीटेशन हुआ, अनुप्रास अलंकार। कनक कनक के 100 गुनी मादक का अधिकार कहता है तो श्लेष अलंकार। ठीक है, क्योंकि दोनों कनक का अर्थ है डिफरेंट वन है। ठीक है, अगर कहते रहिम पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो ये यमक अलंकार हो गया। क्यों, क्योंकि एक वर्ड का 2-3 जगह रिपीटेशन है और हर जगह उस सेंटेंस के साथ में उसकी मीनिंग अलग निकल।
अनुप्रास के भी प्रकार है, छह का अनुप्रास, विंत अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, है ना, ऐसे उसके प्रकार हैं, है ना। तो शब्द अलंकारों की यहाँ पर प्रचुरता देखने को मिलती है, ठीक है। और इस तरह देखा जाए तो दोहा और चौपाई, दोहा क्या, दो कविता, दो पंक्ति की कविता जहां 11 13 के विराम से 24 मात्राएं, साथ ही चौपाई क्या, चार चरण की कविता प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। इस समय इसके साहित्य की यह विशेषता देखने को मिलती है। क्लियर, समझ में आ गया। यदि आपको पूछा जाए तो उतना अगर आप बहुत डिफाइन नहीं कर सकते बेटा, अगर आप उसे तीन विशेषता पूछेगा, मैंने यहाँ पर दो विशेषताओं को एक जगह मर्ज कर दिया है, जैसे कि मैंने देखिए चारणी भाट परंपरा और यहाँ पर आश्रयदाता की स्तुति, तो एक लाइन में मैंने दो दो को मर्ज कर दिया है। अगर आपको तीन विशेषता पूछता है तो कोई भी सिंपल सा तीन लाइन लेकर चले जाना, ठीक है ना, और जैसा लिखेंगे ना पूरा नंबर आपको देगा। अगर कहते हैं आदिकाल की तीन विशेषताएं लिखी तो लिख सकते हैं, वीर गाथा रस की, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता थी, राजाओं की स्तुति वंदना की जाती थी, ठीक है ना, रासोकाव्य परंपरा का जन्म हुआ, कोई भी इसमें से तीन आप लिखेंगे तो जरूर नंबर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। इसी समय की रचनाओं में अब पूछा जा रहा है, जिस तरह से ट्रेंड बढ़ रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके आदिकालीन दो कवि का नाम और उसकी रचना लिखिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस समय रासोकाव्य परंपरा की जन्म हुआ था ना, इसमें सब देखिए, राजा पृथ्वीराज चौहान है, ये बिसलदेव है, ये राजा नल सिंह है, ये हम परमाल है ना, और इसी प्रकार आल्हाखंड, इसे परमाल रासो भी कहते हैं, ठीक है। ये राजा की स्तुति वंदना थी, इसलिए इसे उनके नाम के आधार पर चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को जन्म दिया, नरपति नाल ने बिसलदेव रासो को, दलपति विजय ने नल सिंह को, शांगर धर के द्वारा हमीर काव्य रासो और जगनी के द्वारा आल्हाखंड को, इसे परमाल रासो भी कहा जाता है। क्लियर, आदिकाल समझ में आ गया, आगे बढ़े, क्लियर, ठीक। अब बारी आती है हमारे लिए किसकी, भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है, 1375 से 1700, 1375 से 1700, 1375 टू 1700 को पूर्व मध्य काल या भक्ति काल कहते हैं। भक्ति की बहुत ज्यादा रचना होने की वजह से और भक्ति पूर्ण माहौल की वजह से इसे भारतीय साहित्य में स्वर्ग युग या स्वर्णिम युग के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं इस समय भारत में मुगल शासकों का आगमन हुआ, उस मुगल शासक ने सबसे गहरा आघात हमारे धर्म और आस्था पर किए, हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया, हम पर बाध्य किया जाने लगा कि हम उनके धर्म को स्वीकार करें। हालांकि हम पर दूसरे धर्म का प्रभाव पड़ रहा था, पर हम उनसे प्रभावित हो रहे थे, किसी प्रकार से उन पर फोर्स किया नहीं जा रहा था। पर कहते हैं इस समय जो राजा थे, उन राजाओं को ये प्रताड़ना दी जाने लगी कि धर्म स्वीकार करो, अदरवाइज तुम्हारा राजपद तुमसे छीन लिया जाएगा। जिनको केवल राजसी ठाठ बाट से प्रेम था, उन्होंने दासता स्वीकार करी, जिनको अपने धर्म और आस्था से प्रेम था, उन्होंने राजाश्रय छोड़ दिया। अब वो जो वीरगाथा काल के जो कवि थे, जो राजा की वंदना करते थे पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए और एक मस्त से उनको जो फैसिलिटी मिलती थी उसके लिए, अब उनसे राजाश्रय छीन लिया गया। अब क्या हो गया, उनको खुद का परिवार का पालन पोषण करने के लिए अब राजाश्रय तो नहीं थी, जॉब थी ही नहीं, तो क्या करेंगे। अब वो होगा साधु और संत की तरह, अब भगवान पर भरोसा करो, भगवान आएंगे तो दुनिया जहां की चीजें आपको मिलेंगी, भगवान है तो सब है, अगर जुल्म और अत्याचार होते तो भगवान जन्म लेकर आते हैं। और कहते हैं इस समय इतनी रचना साहित्य में भक्तिपूर्ण हुई कि ऐसा लगा जैसे भारत की धरती पर स्वर्ग को उतार कर ला गया हो, इसलिए इसे स्वर्ग युग या स्वर्णिम युग के नाम से पुकारा जाता है। इस समय की खासियत क्या थी, इस काल के चार स्तंभ माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, भक्ति काल के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक तो कबीरदास जी, एक तो सूरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। मीराबाई को क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि वो कवित्री नहीं थी, है ना, इन लोगों ने रचनाएं की, मीराबाई ने रचना नहीं की थी, इन्होंने लिखा, मीराबाई बोलती थी, गाती थी, सुनाती थी, है ना। तो कहने का मतलब कि चार स्तंभ इस समय भक्ति काल के माने जाते हैं, और भक्ति काल के इस चार स्तंभ की अगर हम बात करें तो भक्ति काल के चार स्तंभ में आपके सूरदास हैं, कबीरदास हैं, आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, और एक है हमारे लिए कौन, आपके कौन,
तुलसीदास। ठीक है, दूसरी बात कि भक्ति काल की खासियत क्या थी कि भक्ति काल के अंतर्गत कुछ लोगों ने अपने अपने मत और भेद रखे। ठीक है, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन का मत है कि इस युग का जन्म क्यों हुआ, ये कहते हैं ईसाइत के दिन, मतलब ईसाई साम्राज्य जब आया तब उनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो बात की गई उसकी वजह से इसका जन्म हुआ है। वही ताराचंद कहते हैं कि अरबों के दिन अरब प्रांत से जो व्यक्ति आए उन्होंने हमें बाध्य किया, इसलिए भक्ति काल का जन्म हुआ। बल्कि भक्ति की प्रधानता के कारण देखा जाए जिसे साहित्य का स्वर्ण युग और स्वर्गीय युग कहते हैं, ईश्वर के नाम का स्मरण कि अगर इस संसार में पाप अत्याचार जुर्म बढ़ता है तो भगवान जन्म लेकर आते हैं, उस भगवान को याद करिए, अगर आप दुख और संताप में हैं तो भगवान की स्तुति वंदना के अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। राम और रहीम कोई दो अलग नहीं है बल्कि राम और रहीम दोनों एक हैं। इसलिए ईश्वर के नाम के स्मरण के साथ साथ अब बात की जानी गुरु महिमा का वर्णन कि एक गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाने का माध्यम होता है। तो ईश्वर का नाम तो है पर ईश्वर से बड़ा है हमारे लिए कौन, गुरु। तभी तो कहते ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। तो ईश्वर के नाम के साथ साथ गुरु के महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। इस समय दो प्रकार की धारा प्रवाहित हुई, एक थी सगुण मार्ग की धारा और एक थी निर्गुण मार्ग की धारा। सगुण मार्गी वालों का कहना क्या है कि जब भी पाप और अत्याचार बढ़ते हैं भगवान अवतरित होकर आते हैं। इस अवतरित रूप में विष्णु के नौ अवतार में से सगुण राम और सगुण कृष्ण की शाखाएं निकली, इसलिए रामाश्रयी राम के प्रतिनिधित्व करने वाले और कृष्णाश्रयी कृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली शाखा हुई। दूसरा था कहने वाला कि भगवान निरंकारी होते हैं, उनका कोई रूप रंग आकार नहीं है, न ही वो धरती पर जन्म लेकर आते हैं। कर्म और गुरु के बताए माध्यम के अलावा दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। इसलिए निर्गुण ब्रह्म वाले पक्ष बने, जहां किसी ने प्रेम को प्रथम स्थान दिया तो किसी ने ज्ञान को प्रथम स्थान दिया था। तो निर्गुण उपासक में ज्ञान मार्गी जो कवि थे जिन्होंने ज्ञान को प्राथमिकता दी, ऐसे कवि जो ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं उनके काव्य को संत काव्य कहा जाता है। कबीरदास जी संत थे, मनुकदास संत थे, रविदास संत थे, तुलसीदास संत थे, सूरदास संत थे, अगर देखा जाए तो कहने का मतलब कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे वो सारे कवि संत थे और उनके द्वारा जो बातें कही गई उन्हें संत काव्य के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कबीर, धर्मदास, ये जो हमारे थे धर्मदास, मनुकदास, दादू दयाल, ये थे, ये सभी कामगार व्यक्ति थे। कोई जुलाहा था, कोई दर्जी था, तो कोई चमड़े का काम करता था, है ना। तो इस तरह देखा जाए तो कबीरदास जी जुलाहा थे, नामदेव दर्जी थे, दादू दयाल जो थे वो बुनकर थे, ठीक है ना। और इस तरह ये संत लोगों के द्वारा जो बात कही गई समाज की उन्नति विकास के लिए इनकी बातों को जब लिखा गया तो साहित्य क्या बन गया, संत काव्य का साहित्य बन गया। और इस आधार पर भारतीय संस्कृति का सबसे सुंदर वर्णन अगर किसी काल में देखने को मिलता है तो वो है भक्ति काल, क्योंकि आपके राजा श्री कवि का तो मुख्य उद्देश्य थी राजा की वंदना करना था। इसलिए भारत की जो कला संस्कृति है, धार्मिक प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं, उनका सबसे सुंदर वर्णन किस युग में देखने को मिलता है, भक्ति युग में देखने को मिलता है। मानवतावादी भावना रही, अब यह केवल राजा नहीं था, राजा की बातों की वजह से जन साधारण जो मनुष्य थे हमेशा नेग्लेक्ट किए जा रहे थे ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हर मनुष्य के मन की भावनाओं को स्थान दिया जाने लगा, सबके दुख दर्द को समझते हुए सभी को समझाने का और सही राह में चुनकर आगे बढ़ने की बातें उनको दिखाई जाने लगी। जाति पाति और छुआछूत जो समाज में बिखरा हुआ था, जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी, है ना, उन्हीं ने कहा कि राम और रहीम और ऊंच और नीच के भेद को मिटाओ, सब एक परमपिता परमेश्वर की संतान है, उनके दिए हुए जीवन को ऐसे ही बेकार जाने मत दो, और इस तरह की बातें विरोध के अनुसार उनकी साहित्य में देखने को मिलती है। अगली बात,
अहिंसा पर बल दिया गया। सगुण मार्गी वाले क्या बोलते थे कि भगवान को मनाना है तो दिए जलाओ, हवन करो, जरूरत पड़े तो बलि प्रथा करो ताकि भगवान खुश हो जाए, है ना। तो ये ज्ञान जो निर्गुण वाले थे कहते थे क्यों भैया, अगर पत्थर को पूजा करने से भगवान मिल जाता है तो सिलबट्टे की पूजा करो, ओखर की पूजा करो, उसमें चना पीसते हो, अनाज पीसते हो, पेट भरते हो, है ना, भगवान को तुम खिला रहे हो, खा रहे हो क्या, है नहीं, उस पहाड़ की पूजा करो, है ना। तो किसी भी पशु को या किसी भी जीव की बलि जो अहिंसा की ओर ले जाए उसका विरोध करने वाली बात इस समय की रचनाओं में देखने को मिलती है। जाति में पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ना ज्ञान, है ना, कि जाति मत पूछो, बल्कि वो क्या ज्ञान देने आया है उस पर आप बात कीजिए। कबीर के अनुसार जो उस समय जो समाज और परंपरा में चीजें थी कि सगुण मार्गी वालों ने कहा कि राम राज था, उस समय से कोई भी परेशानी नहीं थी, तो सभी ने उसको अलग अलग नाम से पुकारा। कबीर दास जी ने एक अच्छे राज्य की स्थापना के लिए क्या कहा कि पहली बात तो सब व्यक्ति एक है, सब व्यक्ति एक है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब एक ही परम पिता शक्ति की संतान है। अगर समाज को, गांव को, देश को, राज्य को विकास में ले जाना है सबको एकजुट होना पड़ेगा। यही तो घासीदास जी ने भी कहा, घासीदास जी के द्वारा सुनाए गए उपदेशों को गीत के माध्यम से गाया, बन गया पंथी गीत। उस पंथी गीत को गाते समय जब नृत्य प्रदर्शन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्ट्रक्चर बनाकर सबसे ऊपर एक व्यक्ति पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं यही तो बताता है कि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से कंधा मिलाकर चले या एक दूसरे का हाथ पकड़कर विकास की ओर चले तो जिस तरह व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है समाज और राज्य और गांव और देश भी उन्नति की विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो एक अच्छे आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो उस राज्य को उन्होंने अमर देश के नाम से पुकारा। किसी ने उसे रैदास में बेगमपुरा, बेगमपुरा का मतलब क्या, बेगम महिला वाली नहीं, जहां किसी प्रकार का हो गम दुख कुछ भी ना हो, ऐसा राज्य जो पूरी तरह से गम दुख दर्द से रहित हो उसे बेगमपुरा, बेगमपुरा। अब देखो इसी को क्या कहते पता है, इसको वाक्य अनुतान, शब्द अनुतान, और इसी को कहते हैं शब्द सुर लहर, ठीक है, इसी को कहते हैं वाक्य बलाघात, इसी को कहते हैं शब्द बलाघात। लड़के लड़के आ रहे हैं, आंसर क्या निकल रहा कि बहुत सारे बॉयज है जो कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन मैं पॉज दे दूंगा, कहूं कि लड़के लड़के आ रहे हैं, अर्थ पूरी तरह से बदल गया। यहाँ वाईफाई है, वाईफाई है, कुछ अंतर नजर आया नहीं, लेकिन अगर कभी यहाँ वाइफ आई है तो बापरे कब आ गई, हाय तौबा, ताजने को रोटी नहीं मिलने वाला, है ना। और यहाँ वाईफाई है बोले तो अजवाइन लाना, अजवाइन लाना कौन ला के देगा बताओ, है ना। तो ये जो होते हैं, अगर मात्राओं के आधार पर हम बल का आघात लगाते हैं इसे हम बलाघात कहते हैं। स्वर की मात्रा के नियम से पूछा है, मैं बता दे रही हूँ, है ना, कि स्वर बलाघात या शब्द बलाघात क्या होता है। नल की और नल की, तुम्हारे और तुम्हारे अंतर हो जाता है, ठीक है ना। बेगमपुरा में ध्यान रखिएगा, बेगमपुरा, है ना, ठीक, बेगमपुरा की ऐसा राज्य जहां किसी प्रकार का गम ना हो उसे बेगमपुरा कहते, ठीक है। और तुलसीदास उसे राम राज के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यहां पर बाह्य आडंबर जो किए जाते थे, पूजा करना, हवन करना, दिए दिखाना, ये सारे बाह्य आडंबर थे। निर्गुण ब्रह्म वाले का कहना है कि पूरी तरह से इसको खत्म करो, कोई दिए नहीं जलाना, व्रत नहीं करना, हवन नहीं करना, व्रत उपवास नहीं करना, कुछ भी जो आपके विरोध किया गया, बाह्य आडंबरों के विरोध किए गए, साथ ही विभिन्न प्रकार के मत को मानने वालों का जन्म हुआ। किसी ने शिव को आराध्य माना तो शैव धर्म का जन्म हुआ, किसी ने शक्ति को तो शाक्त हो गए, किसी ने विष्णु को माना तो वो क्या बन गए, वैष्णव। तो विभिन्न प्रकार के मत और मतांतरों को मानने वालों का उद्भव इसी भक्ति काल में माना जाता है। अब राजस्थान की थी डिंगल भाषा, जिसमें आपके राजस्थानी साहित्य को रचा गया था। इस समय देखा जाए तो साहित्य की दो बड़ी भाषा बनी, एक बड़ी भाषा बनी अवध के क्षेत्र की अवधि, जिसका प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा सूफी काव्य को लिखने के लिए, जिसमें उन्होंने अवधी भाषा के ग्रामीण परिवेश वाले शब्दों को लिया था। वही तुलसीदास की अवधि में संस्कृत का फ्लेवर देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी अनुसार देखा जाए तो ब्रज का क्षेत्र, जहां कृष्ण के संबंधी रचनाओं को रचने के लिए सूरदास रसखान जैसे कवि ने, नाभादास जैसे कवियों ने उसका इस्तेमाल जो है वो किया था, ठीक है।
तो ब्रज और अवधी भाषा के प्रयोग करके साहित्यिक गतिविधियों में इस समय बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना जो है वो की गई थी। अलग अलग प्रकार के छंदों का, विभिन्न प्रकार के अलंकार, सबसे ज्यादा तो यहाँ पर श्रृंगार रस था, जहां राम और कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था, कृष्ण के बाल स्वरूप का तो राम के यौवन रूप का, सीता के शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ राधा के मुख की सुंदरता, उफ तौबा क्या कहने, है ना। तो यह समय जो था श्रृंगारिकता से परिपूर्ण था। अब केवल अगर देखने वाली बात हो जाती है तो यहां पर आपके अलंकारों में हर प्रकार के अलंकार का प्रयोग जो है वो किया, अर्थ अलंकार की यहाँ विशेषताएं देखने को मिलती है। साथ ही देखा जाए तो श्रृंगार के दोनों पक्ष का वर्णन था कि कृष्ण जहां राधिका और गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, गोकुल से जब मथुरा चले जाते हैं तो किस प्रकार विरह वर्णन है, ये दोनों प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर ब्रज और अवधि में विभिन्न प्रकार के छंद, जहां पर आपके वार्णिक छंद का, मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया था, विभिन्न प्रकार के छंदबद्ध रचना यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि छंद से बंधी हुई रचना ही महाकाव्य को जन्म देती है। अलंकारों की अगर बात की जाए तो अर्थालंकारों की प्रचुरता देखने को मिलती है, साथ ही यहाँ शांत रस का भी प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? भक्ति नीति वैराग्य संबंधी बातों का जहां उल्लेख हो, जहां मन पूरी तरह से संतृप्त हो जाता है, पीस माइंड हो जाता है, तब पीस का मतलब भी देखिए, एक पीस दे दे तो दो पीस दे दे तो आला नहीं है ना, है ना। आप मछली बांध रहे हैं, कक्का कंधे पे दो पीस दे दो और पीस नहीं होता, पीस है फिश यानी कि मछली, और पीस का मतलब होता है एक टुकड़ा, है ना। पर यहाँ पीस का मतलब क्या है कि शांति, ठीक है ना, यहाँ पर है शांति। कि भक्ति नीति वैराग्य संबंधी बातों का जहां उल्लेख होता है, जहां मन संतुष्ट हो जाता है, तो उसे हम शांत रस कहते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रभाव सूरदास की संपूर्ण रचना में देखने मिलती है, और यही वजह है कि सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। जब रस का जन्म हुआ ना तो केवल 9 प्रकार के रस माने जाते थे, नवरस जिसे कहते हैं, पर आधुनिक कालीन कवियों ने यह पाया कि श्रृंगार में दोनों हैं, श्रृंगार में सौंदर्य है, परंतु श्रृंगार और वात्सल्य दो अलग चीजें हैं, दोनों में प्रेम है, देखना ना, दोनों में प्रेम है, श्रृंगार में भी प्रेम है और वात्सल्य में भी प्रेम है। पर श्रृंगार में प्रेम किसका है, टू अपोजिट जेंडर, जब एक दूसरे से लव रिलेशन फील करते हैं, जब दोनों अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब वो हमारे श्रृंगार रस है, जहां नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से मिलना, बादलों का, काली घटाओं का उमड़ना, कोयल का कूक, भंवरों का गुंजार, तितलियों का फूलों पर मंडराना, तो बहुत रोमांचित माहौल होता है, तो श्रृंगार रस में संयोग है, जहां खुशनुमा माहौल है, नायक और नायिका मिलेंगे। वही चीजें जब नायक नायिका दूर हो जाते हैं, वो एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए, बातों को सुनने के लिए तरसने लगते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। वर्षा काल का बादल तो बरस के चला जाता है, पर ये नमक बंद नहीं होता, निश दिन बरसत नैन हमारे दिल से श्याम सिधारे, है ना। तब ये हमारे लिए श्रृंगार रस का दूसरा पक्ष बन जाता है, जैसे वियोग यदि प्रलंब श्रृंगार करने लगते हैं। अब ये तो नायक नायिका का प्रेम है ना, जो परिणय संबंध में बंधकर वैवाहिक संबंध को निभाता है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो श्रृंगारिकता के आधार पर श्रृंगार रस की प्रस्तुति नहीं है, वो वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब होता है माया, दया, प्रेम, अपने से छोटे के प्रति हम जो महसूस करते हैं, माय बेबी, ये वाला आपका वात्सल्य है, ठीक है। अब बाबू आप लोग जो भी सोच लो भैया, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर बाबू शब्द मैं आपको क्लियर कर दू, ये कलकत्ता से आया उड़ीसा में, जो पिता को संबोधित किया जाता है, ठीक है, पंजाब में आप बाऊजी कहते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पुरुष वर्ग का जो बच्चा है छोटा, उसको संबोधित करने के लिए, अगर आपका मस्कुलिन जेंडर वाला बच्चा है तो बाबू, और फेमिनाइन है तो उसे नानी कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि घर में 3 संतान भी है, किसी की 4 संतान भी है, तो कहते हैं इधर बड़े बाबू, छोटे बाबू, मंझला बाबू, उनकी वाइफ है बड़े बहुरिया, मंझली बहुरिया, छोटे बहुरिया हो जाती है। यही जब ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क होता है तो उसके भी कैटेगरी ना, बड़े बाबू, मंझोलन बाबू, छोटे बाबू होते ना, जूनियर जो होते हैं उसे हम छोटे बाबू कहते हैं, है ना, लिपिक वगैरह जो होते हैं। अब ये जो बाबू है वो उस तरह का शब्द है, और इसी तरह देखा जाए तो हम छोटे के प्रति जो महसूस करते प्रेम, उसे वत्सल कहा जाता है। वह माया और मोह जो छोटे के प्रति महसूस करते हैं, इससे वात्सल्य रस का जन्म होता है। और कृष्ण के बाल स्वरूप का और रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का जब वर्णन सुनते हैं तो अलग ही प्रेम होता है, वहां पर हमारे लिए हो जाता है वात्सल्य रस,
वही राम सीता के प्रेम और राधा कृष्ण के प्रेम को जब हम सुनते हैं तब बन जाता है हमारे लिए श्रृंगार रस। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रही चीजें? ठीक। और इस समय देखा जाए तो सारी जो रचनाएं थी वो लोक कल्याणकारी थी, इसमें राजा नहीं था, जन साधारण मनुष्य को, लोक और संसार को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को शाश्वत सत्य को रचाने के लिए लोक कल्याणकारी वाली रचनाओं को रचने का जन्म दिया था। इस समय जो प्रबंध काव्य थे, उसी प्रबंध काव्य में जो महाकाव्य थे, उसी महाकाव्य में सूफी काव्य का जन्म हुआ, जो थे हमारे पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। अब पद्मावत को हम महाकाव्य में अगर देखा जाए तो पद्मावत की अपनी एक खासियत है। पद्मावत की खासियत क्या है कि यहां पर जो उस पद्मावत में जो उसमें कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सूफी काव्य में पद्मावत को महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। इसके आधार पर राजा रत्न सेन की उपाधि मन से की गई है, राजा रत्न सेन की उपाधि मन से की गई है। सिंहल द्वीप को हृदय स्थल कहा गया है, ठीक है। साथ ही रानी पद्मावती को परमात्मा का, जिसको पाने के लिए मरे जा रहे थे सब, ठीक है ना, परमात्मा कहा गया, ठीक है। क्योंकि ये सूफी काव्य होता है ना जो इंसानी जगत के प्रेम से परमेश्वर पर जाकर विलीन होता है ना। सूफी काव्य जो होते हैं इंसानी जगत के प्रेम से परमेश्वर पर जाकर विलीन होते, इसलिए पद्मावती को परमात्मा का स्वरूप माना गया था। साथ ही सात्विक बुद्धि जिसके अनुसार हमारा जीवन सफल हो जाए ऐसा माना गया था। जो आपके हीरामन तोता है ना, उस हीरामन तोता को गुरु की उपाधि दी गई थी। और जो आपके नागमती है, जो राजा के सामने अपने आप के शारीरिक सौंदर्य को बनाने के लिए क्या दुनिया जहां के 4 किलो का गहना, 8 किलो का गहना, बड़े बड़े ड्रेसेस पहन के आती थी, जब वो राजा रत्नसेन पद्मावती की तलाश में चले जाते हैं तो ये इतनी ज्यादा विरह वर्णन में पड़ जाती, भगवान कसम, जब मैंने इस लेसन को पढ़ा था ना हिंदी में, है ना, कि इसके मन में इतनी आह है अपनी प्रियतम से मिलने की कि किसी पेड़ पर बैठे हुए पंछी के पास जाते हैं, क्या आपने मेरे प्रियतम को देखा है? इस समय वह पेड़ जो एकदम हरा भरा था, प्रकृति खूबसूरती से परिपूर्ण, इसके मन की आह से जल जाता है। उस पर बैठा हुआ पंछी जो पंख फड़फड़ा रहा था, सारे पंख जल जाते हैं। सोचिए, जो हार अपने नायक को रिझाने के लिए जिस तरह का वेशभूषा धारण करती थी, जिस तरह के चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाती थी, अब वो सब उससे भारी लगने लगा है। इतना भारी लग रहा है गर्दन ही झुक जा रही है ना। ये विरह वर्णन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था, जबकि इसी में उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि मेरी नायिका इतनी खूबसूरत है, माय गॉड, सुराहीदार गर्दन है, इतनी खूबसूरत, जब वो पान की पीक भी निकलती है ना तो एक एक पत्रा नीचे वो जाते दिखाई देता है ना, ठीक है। तो यहां पर जो नागमती है उसे सांसारिक बुद्धि कहा गया। क्यों सांसारिक बुद्धि कहा गया? क्योंकि व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से कुछ सीखना चाहता है, जाना चाहता है, पूछता है। जब उसके मन में कुल बुलाहट मचने लगती है तो हर किसी के पास जाकर चीजों को पूछने का प्रयास करता है। कि सांसारिक बुद्धि जो होती है ना, कब क्या करना क्या नहीं करना, उसमें एक पूरी स्थिर रूप में रहता नहीं है। इसी अनुसार जो राघव चेतन थे उनको शैतान की उपाधि दी गई, और जो खिलजी थे उसे माया की उपाधि से वशीभूत माना जाता है, ठीक है। और इस तरह देखा जाए तो भक्ति काल के अंतर्गत प्रबंध काव्य में पद्मावत, रामचरितमानस की रचना जो है वो की गई थी। वही मुक्तक काव्य में जितने निर्गुण ब्रह्म के कवि थे, कबीरदास है ना, ये सभी हमारे लिए आपके मुक्तक काव्य की श्रेणी में आ जाते हैं, जहां पर चाहे वो गीतावली हो या कबीर के पद हो। प्रेम आख्यानक काव्य, अब प्रेम आख्यान क्या होता है? प्रेम आख्यान, आख्यान का मतलब होता है कहानी ना, है ना, जिस प्रेम से संबंधित कहानियों का जहां वर्णन हो उसे प्रेम आख्यान कहते हैं। तो जो ज्ञानाश्रय के साथ एक और शाखा थी, कौन सी? प्रेमाश्रय। इसी प्रेमाश्रय शाखा में सूफी काव्य का जन्म हुआ, जब प्रेम से संबंधित कविताओं को रचा गया तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा प्रेम आख्यानक काव्य को जन्म दिया, जो सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। और निर्गुण उपासक के जो प्रेम मार्ग कवि थे, जिन्होंने प्रेम को प्राथमिकता दी, सूफी कवियों के द्वारा उसकी रचनाओं को सूफी काव्य का नाम दिया गया। और इसकी विशेषता थी कि वस्तु प्रयोग और प्रसंगों की भरमार थी और प्रेम की इसमें अधिकता थी। नायक और नायिका का प्रेम, मैंने कहा ना कि प्रेम वाला कहता है जब तक मुझे किसी से प्रेम नहीं मैं उसके बारे में जानू क्यों,
तो प्रेम की अधिकता और भरमार की वजह से प्रेम संबंधी कथाओं का उल्लेख प्रेम आख्यानक काव्य कहलाया और इस शाखा के जितने कवि हुए वो प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहलाए। सामान्य मानव की जो प्रेम होते हैं सामान्य रूप से जो जन साधारण मानव इसमें देखिए है ना जो इसमें सांसारिक बुद्धि बताया मतलब सामान्य मनुष्य नागमती को सांसारिक बुद्धि बताया वही आपकी पद्मावती को क्या बताया उसे परमात्मा बताया। तो जो सांसारिक मनुष्य के प्रेम है सभी प्रेम आख्यान में तो थी जितनी भी प्रेम से संबंधित कथाओं को रचा गया था सभी में सांसारिक मनुष्य के प्रेम की रचनाओं को जन्म तो दिया गया था परंतु तो सूफी कवियों का कहना है कि इश्क मजाजी यानी कि जो मानवीय प्रेम है जो मानवीय प्रेम है अगर वही इश्क हकीकी यानी कि दैविक प्रेम की श्रेणी होती है इसलिए पद्मावत जैसे महाकाव्य को सूफी काव्य इसलिए कहा गया कि नायक और नायिका का प्रेम तो है परंतु जिस तरह मनुष्य परमात्मा पर जाकर विलीन हो जाता है वैसे ही इसे वहां पर रखा गया। तो मानवीय प्रेम को पहली सीढ़ी बताया कि दैवीय प्रेम के पास पहुंचने का और जो ऐसे प्रकार की रचनाएं होती है वही सूफी काव्य कहलाते हैं। ठीक है अगली बात की प्रेम कथानक काव्य जो प्रेम कथा संबंधित काव्य थे उसमें विभिन्न प्रकार के अब पात्र का मतलब बर्तन नहीं है कैरेक्टर्स है ना पात्र का मतलब है यहाँ पर कैरेक्टर्स ठीक है ना यानी कि चरित्र है ना उसके अनुसार उसके काव्य का रूप उसके अनुसार उसे कथा के काव्य की शैली लोक कथाएं जो जन साधारण सुनी गई है ना साथ ही शिष्ट कथाएं जो हमारी जातक कथाओं से हमें प्राप्त होती आई हैं शिष्टाचार से संबंधित और मेल रूप से देख रहा है तो कथा रूपक और प्रतीक श्रृंगार के दोनों पक्षों का प्रयोग करके जहां इसके वर्णन जो है वो किए गए थे। क्लियर हो गया भक्तिकाल की इतनी सारी चीजें समझ में आई। तो अब भक्तिकालीन कवि ये पूछा जा चुका भक्तिकाल में निर्गुण मार्ग के दो कवि के नाम बताइए आप कह सकते हैं कृष्णाश्रय शाखा के दो कवि या रामाश्रय शाखा के तो आप लिख लेंगे कर लेंगे ठीक है ध्यान रखना प्रश्न को समझेगा। अगर कहते हैं भक्ति काल के दो कवि का नाम और उसकी रचना लिखी तो कोई भी लिखिए कोई बॉन्डिंग नहीं है आप मीराबाई भी लिख सकते हो कबीरदास भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन अगर बांध दे कि रामाश्रय शाखा के दो कवि या कह दे कृष्णाश्रय शाखा के या कह दे प्रेमाश्रय कवि कह दे तब बांध दिया साथ ही अगर कह दे कि सगुण मार्ग दो कवि तो बंधन नहीं है निर्गुण मार्ग दो कह दिया तो बंधन नहीं है लेकिन अगर उसमें से रामाश्रय कृष्णा सही कह रहा है सगुण में तो बंधन है प्रश्न को समझकर उसका आंसर लिखिएगा। क्लियर हो गया बेटा समझा पा रही हूँ आप लोगों को मैं समझ में आ रही चीजें क्योंकि छह नंबर का टॉपिक है ये है ना ठीक। अब बारी आती है आपकी यहाँ पर से राइट आपके जो साहित्यकार थे उनकी रचना है जो आप लोग देखिएगा तो तुलसीदास सूरदास मीराबाई नंददास रसखान उस्मान और मंझन। क्लियर हो गया ठीक। इसकी दो धारा थी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या कहते हैं आराध्य यानी हम जिसकी आराधना करते हैं उसके प्रति हमारे मन में जो भक्ति का भाव है उस भक्ति के भाव को अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सगुण राम की उपासना करना और सगुण कृष्ण की उपासना करने पर बल दिया गया अवतारवाद पर बल दिया गया और गुरु की महिमा का वर्णन किया। अपने आराध्य के प्रति स्वयं को कभी सखा माना सखा कौन सूरदास कभी दास माना कौन तुलसीदास कभी प्रेम किया किसने मीराबाई ने अरे बस समझिए उनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो साक्ष्य का प्रभाव दासत्व का प्रभाव और माधुर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। जो जनसाधारण क्षेत्र से फैली लोक बोली भाषा थी अवध की थी अवधि ब्रज की थी ब्रज भाषा वही साहित्य की भाषा बनी। इसमें आपके छंदों में दोहा सोरठा चौपाई ऐसे रचनाओं को अंजाम दिया गया पदों की रचना से कविता को अंजाम दिया गया और इस समय के रचनाकार के कवि में तुलसीदास मीराबाई सूरदास और रसखान ये चार ऐसे कवि जो सगुण मार्ग के कवि माने जाते हैं। इसमें से तुलसीदास ऐसे हैं जो रामचंद्र से संबंधित रचनाओं के लिए रामाश्रय हुए और मीरा और सूर और रसखान कृष्णाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक है दूसरी बात अगर देखा जाए तो रामाश्रय शाखा में तुलसीदास के अलावा अग्रदास नाभादास भी है और कृष्णाश्रय में सूरदास मीराबाई रसखान जो है वो आते हैं। रामाश्रय की विशेषता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन करना राम राज्य के अस्तित्व को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करना मानवतावादी भावना का वर्णन करना राम राज्य के आदर्श और उनके शक्तिशाली सौंदर्य का चित्रण करना नारी के मुक्ति की बात करना
यहाँ तक कि कृष्णाष्टमी की विशेषता है कि बाल स्वरूप कृष्ण के बाह्य लीलाओं का वर्णन करना, कृष्ण के बाह्य लीलाओं का वर्णन करना, बाल लीला के साथ साथ उसके वत्सल प्रवाह को साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, साथ ही श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण, नारी मुक्ति के स्वर का वर्णन और आश्रयत्व कि जिस तरह उन्होंने उनके मामा के कैद में उनकी माँ और पिताजी जो कैद थे उनको छुड़ाया, तो किसी के आश्रय में रहकर जीवन चलता नहीं है। उद्धव को भेजा था किसने? गोपियों ने। जा तो भाई बोल के आया है, कब से आएंगे आएंगे, अभी तक नहीं आए, थोड़े को पता तो करो, है ना। उद्धव जाते तो बड़े ठाट बाट से, है ना, उद्धव जाते हैं बड़े ठाट बाट से कृष्ण के महल में, पहुंचते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है भैया, उधर पागल हो गई है, रो रो के तुम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फिर वो कृष्ण जी उनको ऐसे उपदेश देते हैं कि किसी के आश्रय में मत रहो। क्या कर लिया उन्होंने, मैं अगर वापस ही नहीं गया तो क्या मर जाएंगी, खाना पीना छोड़ देंगी, काली नदी नदी हो गई है यमुना नदी, पूरी आंसू से बह बह के काली हो गई यमुना की नदी, है ना। तो उन्होंने जो उपदेश दिया कि आश्रयत्व को छोड़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने कर्तव्य को जानो, इसका भी प्रभाव नहीं था। इस समय जो रचना हुई थी ना उसे गा सकते थे, इस समय की रचना को हम गा सकते थे। अभी तो मीरा के पद को गाते हैं, पायो जी मौनी राम रतन धन पायो, गाते हैं, सुर के पद को गाते हैं, तो गेय मुक्तक बन गया, क्योंकि इस समय की जो रचना पद के माध्यम से हुई थी। हम कभी तो भेजो सुनते मैम, है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, सुनते हैं सब है, ठीक है। और कबीरदास ने नहीं बोला है ना, ये आधुनिकालीन कवि की रचना है वो, ठीक। इसमें गेयता का गुण दिया। और निर्गुण क्या कहते हैं, ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है भैया, कोई भी भगवान अवतार लेकर आता नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध करो, अहिंसा पर बल दो। रहस्यवादी भावना थी कि इस क्रिएचर को क्रिएट करने वाले की शक्ति क्या है, वो कैसे है कि यह पतझड़ में यह ठूठ की भांति दिखने वाला पेड़ आखिर कौन से अज्ञात सत्ता है जो इसे फिर से जीवन देती है, कि बसंत का मौसम आते ही फिर से हरा भरा हो जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। इस समय की रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है। लौकिक प्रेम यानी जो संसार में जो प्रेम है, इनके माध्यम से अलौकिक और आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंचने का माध्यम इसमें बताने का प्रयास किया गया था। साथ ही आत्मा परमात्मा का एक हो जाना, तो कबीर जायसी उस्मान मंझन निर्गुणारी की कवि सखा में आते हैं। प्रेमाश्रयी जो प्रेम की शाखा थी उसमें मलिक मोहम्मद जायसी उस्मान आते हैं, तो ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर और रैदास माना जाता है। दूसरी बात कि इस शाखा की विशेषता में ज्ञानाश्रय के अनुसार भगवान को प्राप्त करने का पहला माध्यम ज्ञान है, और उस ज्ञान को देने वाला सबसे बड़ा माध्यम हमारा गुरु है। गुरु का ज्ञान है तो परमात्मा की प्राप्ति है, ठीक है। और प्रेमाश्रय वाले क्या कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग केवल प्रेम है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप उसके बारे में संपूर्ण चीजों को प्राप्त करना चाहेंगे। तो ज्ञानाश्रय के अनुसार भक्ति को आधार माना, ज्ञान के अनुसार हठ योग की साधना पर बल दिया गया कि इन्होंने जितने भी इस समय के संत महात्मा थे उन्होंने बल दिया कि जीवन की नश्वरता को समझो और अपने जीवन का शाश्वत सत्य बनाओ। संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा, जीवन जो तुमको परमेश्वर ने दिया है उसको सार्थक कीजिए, क्योंकि यह जीवन एक समय के बाद में समाप्त हो जाएगा। माया मोह में डूबे नहीं रहना है, बल्कि उनसे हटकर कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया में लोग आपको पहचानने लगे। प्रेमाश्री कहता है कि प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का माध्यम है, इसलिए प्रेम की भावना को समझना जरूरी है। प्रेम की भावना के समझना जरूरी है, दोनों पक्षों का प्रभाव होना जरूरी है। अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। बहुत समय का जो दौर है बुरा दौर, एक छोटी सी खुशी से उस चीज को पाटने का काम जो है वो करती है। विरह वर्णन की मार्मिकता को, मतलब विरह में अगर एक दूसरे से है तो किस प्रकार वो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर है, इन सब का प्रयोग है। मनस्वी शैली, मनस्वी शैली क्या होती है, मनुष्य साधारण मनुष्य है, अपनी शैली अपने राइटिंग वे अपने बातों के तरीके से जब वो किसी को अपनी बात को भावनाओं को पहुंचाता है तो मनस्वी शैली कहती है। अलौकिक जो दिखाई नहीं दे रहा है, और दिव्य सौंदर्य युक्त नायिका है ना, जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर विशेष तौर पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक। भक्ति काल समझ में आया, अब बारी आती है हमारे लिए क्या, रीतिकाल, ठीक है।
रीति शब्द क्या है? रीति का मतलब है पद्धति, ढंग, तरीका और कायदा। कहा जाता है कि जो रीति आपको जो भक्ति काल थे, ठीक है ना, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करूंगी, थोड़ा सा सुनिएगा बस उसको, है ना, आपको नोट डाउन करने की कोई नीड नहीं है, थोड़ा सा उसको सुनिएगा बेटा, ठीक। जो रामाश्रय शाखा थे ना, जिसमें राम और कृष्ण राम से संबंधित वर्णन था, तो कहते कि राम भक्ति काव्य धारा जो थी, जिसमें आपके सीता और राम के प्रेम का उल्लेख था ना, कृष्णाश्रय शाखा में तो गोपी और राधा कृष्ण एक हुए नहीं थे, इसलिए प्रेम का आधार कौन बने? रामाश्रय शाखा। यही रामाश्रय शाखा जब आगे बढ़ी तो जो उत्तर मध्य काल था, उत्तर मध्य काल था, उसे ही रीति काल का नाम दिया गया, कि राम भक्ति शाखा का जो राम और सीता का प्रेम था, आगे चलकर वही रीति काल में तब्दील हो गया। और इस समय देखा जाए तो रीति का मतलब है आपका पद्धति, नियम, ढंग और कायदा। तो रीति में अगर हम अगर एक ऐसा शब्द जोड़ दें कि रीति शब्द संस्कृत के एक ऐसे शब्द से रिंग धातु से जिसका जन्म हुआ है, इसमें कितनी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाती है रीति, और रीति का मतलब होता है पद्धति, ढंग या कायदा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के विकास का तीसरा चरण, जिसे हम उत्तर मध्य काल या रीति काल के नाम से जानते हैं, संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे, उस ग्रंथों में जो नियम थे, किस प्रकार छंदबद्ध प्रयोग होंगे, किस प्रकार कैसी रचना की जाएगी, उन्हीं सारी रीति ढंग परंपराओं के अनुसार इस काल में रचना लिखने की वजह से इस समय को रीति काल या रीति युग के नाम से पुकारा जाता है। इसे रीति पद्धति का युग भी कहते हैं, इसे रीति पद्धति का युग भी कहा जाता है। सतसई परंपराएं जो थी उसका पुनरुद्धार भी इस रूप में हुआ। रीजन क्या था? मुगल शासकों के चले जाने के बाद अब राजाश्रय में फिर से राजा के अंदर कवियों को अपना स्थान मिला, तो अब कवि के पास में रचना करने के लिए विषय नहीं थे। वीर गाथा काल और आदि काल में तो राजा की स्तुति वंदना करनी थी, वीरता का उल्लेख था, भक्ति काल में भगवान की धाराएं थी, अब यहाँ पर मैं लिखूं तो लिखूं क्या? तो केशवदास इसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं, कि ये एक ऐसा समय था कि कवियों को अपने अब वास्तविक हुनर को दिखाने का मौका दिया गया था। तो कहा जाता है कि इस समय की खासियत थी कि डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि जब सामाजिक और राजनीतिक पतन हुआ, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक पतन हुआ, उस युग में जो मनुष्य थे अपने जीवन की बाहरी अनुभवों से निराश हो चुका था, इसलिए अपनी निराशा को दूर करने के लिए चार दीवारी में खुद को उसने बंद कर लिया। अब मनोरंजन के साधन तो थे नहीं, इसलिए वह क्या करने लगा? न तो शास्त्र चिंतन करने का उसके पास कोई साधन था, न ही उसके पास धर्म चिंतन करने का कोई उद्देश्य था, इसलिए अपने मन की अभिव्यक्ति का वर्णन वो करे तो कैसे करे? तो जीवन की बाहरी अनुभव से निराश होकर वह एक ऐसे रास्ते की ओर चल पड़ा जहां नारी के शारीरिक सौंदर्य में उसे खूबी नजर आने लगी। नारी के शारीरिक सौंदर्य में अपनी सभी दुखों को वो क्या कर जाता था? भूल जाता था। इसलिए जो राम और आपके सीता का प्रेम था, उसी लक्षण ग्रंथों और संस्कृत साहित्य के ग्रंथों के आधार पर अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगा? नायक और नायिका से संबंधित प्रेम का उल्लेख साहित्यिक रचनाओं में स्थान पाने लगा था। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि इसके उदय का कारण है जनता की रुचि नहीं है, देखो जनता की रुचि नहीं है, ये दरबारी साहित्य की रुचि है, क्योंकि राजाश्रय मिला, अब वो रचना करे तो क्या करे? इसे फिर से राजा जो चाहता था, राजा की खुशियों को, राजा की ख्वाहिशों को पूरा करने वाली चीजों को यहाँ कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये ले जाओ, ये राज्य तुम्हारा है, ये ले जाओ, 2 बीघा जमीन तुम्हारा, ये तो करते थे राजा लोग, है ना, कोई अच्छा डांस प्रस्तुत कर रहा है तो आज तुम्हारी राजनर्तक ही हो, कोई अच्छा कार्य राजकवि हो, यही तो किया करते थे। इसलिए ये समय रीति काल तो था, परंतु सरकार आपके दरबारी संस्कृति का काव्य भी माना जाता है, इसे दरबारी संस्कृति का काव्य भी माना जाता है, क्योंकि यहां जनता की रुचि फिर से कोई मतलब नहीं थी। आदिकाल में कोई मतलब नहीं था जनता से, भक्ति काल में जनता से मतलब पड़ा,
लेकिन इस काल में फिर से जनता का कोई मतलब नहीं था। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर वीरता कर्मठता का जीवन बहुत कम रह गया था। इस समय नायक नायिका के लाक्षणिक भेद को बताया गया, नायिका को जहां मंत्र मुग्ध करने वाली मनमोहनी बताया गया, तो नायक को धूर्त बताया गया, जिद्दी बताया गया, हर हाल में तू तो बस मेरी है ना। इस तरह का भी नायक को शठी हठी धूर्त इस रूप में भी नायक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। इस काल के अंतर्गत जो परंपराएं संस्कृत साहित्य में चली आ रही थी उन्हीं रीतियों का प्रयोग करने की वजह से इसे रीति काल के नाम से पुकारा जाता है। तो संस्कृत के जो प्राचीन साहित्य थे उस समय जो महाभारत और रामायण को यदि भक्तिकालीन कवियों ने प्रेरणा ली थी, तो रीतिकालीन कवियों ने आपके रीतियों को उत्तरकालीन संस्कृत के आधार पर ही उसका वर्णन जो है वो लिया था। ठीक है, और इस आधार पर देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में मध्य युग के बाद वाले समय को रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है। इसका अर्थ है रीति शास्त्र काव्य की प्रणाली पद्धति या शैली को उसी रूप में प्रस्तुत करके लिखना, तो इसे रीतिकाल कहा जाता है। इस काल में अलंकारों की प्रचुरता थी, इसलिए बहुत से साहित्य इसे अलंकार काल कहते हैं। श्रृंगार रस की प्रचुरता की वजह से, श्रृंगार रस की वधानता से इसे श्रृंगार काल के भी नाम से पुकारा जाता है। इस समय की विशेषता क्या थी कि रीतियों का प्रयोग करते हुए कवियों ने अपने हुनर कौशल का प्रदर्शन किया, कवियों ने अपने हुनर कौशल का प्रदर्शन किया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, भक्तिकाल और आपका रीतिकाल देखिएगा, क्योंकि दो तीन बार प्रश्न पूछे जा चुके। ठीक है, तो जो रीतिकालीन कवि थे उनका मुख्य उद्देश्य था जो रीति परंपरा संस्कृत साहित्य में थी उसी परंपरा का पालन करते हुए उनके द्वारा रचनाओं को अंजाम दिया जाए। नायक नायिका के भेद बताए गए, जहां नायिका को मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी तो नायक का वर्णन थोड़े अलग ढंग से किया गया। उनके द्वारा जो भी प्रेमपूर्ण चेष्टाएं की जाती थी, उनके द्वारा जो प्रेमपूर्ण चेष्टाएं की जाती थी कि नायिका नायक से मिलना चाहती है इसलिए वह संदेश भिजवा रही है, अगर नायक और नायिका का मिलन नहीं हो रहा किस प्रकार वो एक दूसरे से देखने के लिए परेशान हो रहे हैं, उन सारी हर एक छोटी छोटी पलों को भी यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यानी कि नायक नायिका के भेद के साथ साथ प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का भी श्रृंगारिक वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। दूसरी बात कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्णन हुए नायिका के सौंदर्य की कि अतिशयोक्ति पूर्ण मानी जाती है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, जब किसी बात को लोक सीमा की मर्यादा से बढ़ाकर बताई जाए। एक नायिका पद्मावती जो बला की खूबसूरत है, जब वो अपने मायके आती है तो अपनी सहेलियों के साथ में सरोवर पर नहाने के लिए जाने की सोचती है। पूर्णमासी का चांद जो आसमान पर दिखाई दे रहा है जिससे उसकी खूबसूरती अलग ही शबाब पर है, जहां उस सरोवर पर बहुत प्रकार के तरह तरह के कुमुदनी यानी कि वॉटर लिली और लोटस यानी कि कमल खिले हुए हैं, जिससे उस सरोवर में उसका प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। हंस का जोड़ा मस्त से डांसिंग मूवमेंट करता हुआ घूम रहा है, खेल रहे हैं। ऐसे समय पर जब नायिका अपनी सहेलियों के साथ वहां आती है और वहां बैठकर हंसी ठिठोली करती है तो माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है। जैसे ही उसकी सहेलियां कहती है अब जूड़ा खोल भी तो तालाब में नहाने के लिए जाना है, जैसे ही नायिका अपना जूड़ा पिन निकालती है, ओ माय गॉड बाउंसिंग हेयर, जब वो गिरता है तो नायिका का जो चेहरा है इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि चंद्र ने भी ना बोलते काली घटा की ओट में जाकर छुप जाता है। दूसरा जो वहां पर हंस के जोड़े तैर रहे थे बोलते ओ माय गॉड अब लड़कियां आ गई नहाने, चले चले उधर चले जाते हैं। दूसरी बात, नायिका इतनी बला की खूबसूरत है कि जब वो आंसू की बूंद उसकी आंखों से गालों पर ढलता है तो कमल की पंखुड़ियों में जिस तरह शबनम की बूंदे दिखती है वो बूंदे उसी तरह दिखाई पड़ती हैं। उसे कर कमल छूने पर ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोमल कमल के पत्तों को छू रहा हूं। उसके पैर इतने कोमल कि आलता लगाने का भ्रम जो है, जो उसकी सेक्रेटरी है जो उसको आलता लगाने आती है उसके ऊपर एक भ्रम हो गया है कि मैं आलता लगाने आई थी कि मैं लगा चुकी हूं, इतना सुंदर था, ओह माय गॉड, है ना। इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कि कहीं ना कहीं अलंकारों के बोझ से दब गई। दूसरी बात, नायिका के सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक चीजों से किए जाने की वजह से कहीं कहीं अश्लीलता भी देखने को मिलती है। ठीक है, मृग के समान नयन है समझ में आता है, नागपाश की तरह जुल्फे है समझ में आता है, सुराहीदार गर्दन है समझ में आता है, मस्त से कर्व है समझ में आता है, लेकिन
कुछ जगहों पर अश्लीलता भी यहां पर देखने को मिलती है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जनसाधारण व्यक्ति फिर से यहां पर उपेक्षा के शिकार होने लगे। क्यों? क्योंकि अभी से हुनर कौशल दिखाने का मौका मिला था ना, तो बस राजा क्या चाहता है, राजा को और मैं किस तरह से खुश कर सकता हूं, राजा को ऐसी कौन सी चीज मैं बताऊं जिससे राजा मेरे से खुश रहे। तो जनसाधारण जो साधारण मनुष्य थे एक बार फिर से ये दरकिनार कर दिए जाने लगे। इस समय नारी के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया तो ये नारी केवल इस्तेमाल की वस्तु मात्र रह गई थी। हर किसी व्यक्ति का उस नारी के प्रति जो उनकी नजर थी वो भोगवादी विलास यानी कि पूर्ण रूप से इस्तेमाल की वस्तु मात्र रह गई थी। आश्रयदाता राजा की भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया गया, ठीक है। साथ ही जनसाधारण की उपेक्षा करके ऐसी रचना रची गई जो मुक्तक शैली में थी, ठीक है ना। यहां पर मुक्तक शैली में रचना की गई, छंदबद्ध और अलंकारिक प्रधानता थी। जो भाषा ब्रज और अवधि भक्ति काल में प्रयोग हो रही थी वही से आपकी ब्रज भाषा इस समय की रीति काल की सबसे बड़ी भाषा बनी। क्लियर, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर प्रकृति का सबसे खूबसूरत वर्णन है ना, आपकी 6 ऋतुएं हैं, 12 महीने हैं, ठीक है ना। हर एक प्रकृति के जितने भी आपके वर्णगत वर्णन है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है यहाँ आपके देखने को मिलता है। पूर्णमासी हो, चाहे चंद्रमा के चांदनी हो, चाहे वो हमारे लिए कुमुदनी का खिलना हो, यानी कि प्राकृतिक वर्णन का दोनों प्रभाव देखने को मिला, जिसका प्रयोग श्रृंगार के दोनों पक्ष के लिए किया गया। जहां नायक और नायिका एक दूसरे से मिल रही है, तो वही बसंत का मौसम, वही कोयल की कूक उनके लिए बहुत अच्छी लग रही है। जहां नायक नायक एक दूसरे से दूर है, वही कोयल के उनको कर्कश कौवे की आवाज लग रही है। वो काली घटाएं जो मिलन के लिए उत्सुक बनाती थी, अब उसको इरिटेटिंग लगने लग रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रकृति के माध्यम से श्रृंगार के दोनों पक्षों का भरपूर प्रयोग यहां पर किया गया था, जिसकी वजह से चमत्कार पूर्ण रचनाएं इस समय देखने को मिलती। ये पूछा गया है रीतिकाल की कितनी धाराएं थी, रीतिकाल की 3 धाराएं थी, रीतिकाल की 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्लियर हो गया, रीतिकाल की 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और ये आखिर क्या थी, तो रीतिबद्ध क्या है, रीतिबद्ध का मतलब है रीति परंपरा जो संस्कृत की थी उसी परंपरा के बंधे हुए नियमों से अपनी रचनाओं को अंजाम देना। तो ऐसे कवि जिसने बंधी हुई परिपाटी में यानी कि जिस तरह के रूल और रेगुलेशन साहित्यिक रचनाओं के लिए किए जा रहे थे उसी के आधार पर अपनी रचनाओं को जन्म दिया, यानी कि संस्कृत साहित्य के नियम का पालन करने वाले कवि जो थे, इसलिए ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। कौन थे रीतिबद्ध कवि, सेनापति। कौन थे रीतिबद्ध कवि, हमारे सेनापति। एक थे रसनिधि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। रीति सिद्ध कवि कौन है, एक है हमारे यहाँ के रीति सिद्ध कवि। और ये रीति सिद्ध कवि क्या है, रीति सिद्ध का मतलब है कि ऐसे कवि जो हमारे लिए जब रचनाओं को जन्म देते थे तो काव्य के जो नियम है उसका ऐसा प्रयोग करते थे कि जो नियम बनाए गए हैं वह पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन देने वाली होती थी, कि रीतियों को जो सिद्ध कर दे। तो ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं। मानव प्रेम अगर देखा जाए तो इस समय लक्षण ग्रंथ कहीं निर्धारित सीमा से वही रूप में थी, पर यहां पर पूर्ण रूप से जीवन के विविध पक्षों को ऐसे रूप से रचा गया कि जो रीति और नियम संस्कृत साहित्य के लिए बनाए गए थे उनका प्रयोग पूरी तरह से सिद्धता को प्रमाणित करता है। एक हुए रीति मुक्त कवि। अब रीति सिद्ध कवि में कौन कौन थे, रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत अगर देखें तो बिहारी वृंद है और हमारे लिए मतीराम और बैनी है, ठीक है। रीति मुक्त कवि कौन थे, जिन्होंने रीति नियमों को छोड़ दिया, पूरी तरह से उनके नियमों का पालन करना बंद कर दिया, ऐसे कवि जो नियमों से मुक्त हो गए ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। तो श्रोता और पाठक मिले साहित्य से, मतलब श्रोता के अनुसार और पाठकों के अनुसार उनके मनोभावों को ध्यान में रखकर नियमों को छोड़कर जिन्होंने उनके अनुसार रचना रची ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इनके काव्य की विशेषता रहती है कि नियमों का बंधन इसमें होता नहीं है। और रीति मुक्त कवि कौन कौन है, रीति मुक्त कवि में आप कहते हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। क्लियर हो गया,
ठीक। इस समय देखने वाली बात है कि इस समय दो प्रकार की विशेषताओं की परिपूर्ण रचनाएं थी। एक तो थी रीति निरूपण। रीति मतलब नियमों को जो निरूपित करता है, जो रीति सिद्ध कवि थे, रीतिबद्ध कवि थे, वो क्या करते थे, जो रीति और नियम बनाए गए हैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसमें सर्वांग वर्णन, तो हिंदी संस्कृत साहित्य में आपके साहित्य के व्याकरण में क्या है, रस है, अलंकार है और छंद है। साहित्यिक रचनाओं के व्याकरण में रस, अलंकार और छंद है। तो रीति निरूपण में सर्वांग वर्णन यानी कि रस के सभी अंगों का, अलंकार के सभी अंगों का और छंद के सभी अंगों का प्रयोग जो निरूपित कर देता था वो रीति निरूपण बना। इन्हीं में से किसी एक को या किसी दो को लेकर जिसने ने लिखा, किसी स्पेशल रचना को रचने के लिए इन्हीं में से किसी एक को या दो को लेकर लिखा तो वो हमारे लिए विशिष्टांग हो जाते हैं, विशिष्ट अंग को लेकर जिन्होंने अपनी रचनाओं को अंजाम दिया, ठीक है। तो कहीं कहीं देखा जाए तो यहां पर रस सबसे ज्यादा प्रभावी मानता है। रीति काल में श्रृंगार रस की सबसे ज्यादा प्रचुरता देखने को मिलती है। सतसई परंपरा का पुनरुद्धार किया गया, दोहा छंद की प्रधानता रही, साथ ही आपके वार्णिक छंद में सवैया जो श्रृंगार के अनुदूत कवियों ने किया, कवित्व जिसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। लक्षण ग्रंथ की रचना जब की जा रही थी तो ये जन साधारण का काव्य नहीं था। लक्षण ग्रंथ की जब रचना की जा रही थी तो जन साधारण का काव्य नहीं था, बल्कि दरबार में जो राजा और सामंत थे उसकी खूबियों को ध्यान में रखने वाली दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। जनसाधारण का काव्य न मान करके इसे दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है, जिसमें श्रृंगारिक शब्द पर बल ज्यादा दिए गए। सामंत शासक जो थे उनकी रुचि, उनके वैभव विलास से संबंधित बातों का यहाँ पर विशेष तौर पर बखान किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। अब रीतिकाल कवि के अंतर्गत कौन कौन है, बिहारी घनानंद, ये सुजान ही सुना होगा आपने, है ना। ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी कैसी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सुजान जो होती है राजनर्तकी होती है और ये होते हैं राजकवि होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ था, क्लास फुटबॉल में बात करती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जब राजा को ये पता चलता, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वंस अपॉन अ टाइम पढ़ा था मैंने, कि जब राजा को ये पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ज्यादातर एक तरफा प्रेम था घनानंद का, ये तो थोड़ी सी स्टाइलिश थी, है ना, तुमसे बात नहीं करती वाली, ठीक है ना। तो इसको राजा का ज्यादा प्रेम मिलता था ना, राजा का ज्यादा ध्यान मिलता था कि इसको राजनर्तकी को, ये बेचारा उसे प्रेम करता था। तो कहते हैं कि राजा ने घनानंद को निकाल दिया अपने राजमहल से, और जब राजा ने घनानंद को निकाल दिया तो दूसरे राज्य चला गया वो। फिर उसने मेघ के माध्यम से, बादलों के माध्यम से संदेश जो है वो इस तक पहुंचाए थे, है ना। अब पूरी तरह विरह वर्णन का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रयोग था रीतिकालीन कवियों में से किसी भी किसी एक को, तो घनानंद ने सुजान हित में आपके विरह वर्णन का ज्यादा प्रयोग, तो विशेषतांग वर्णन हो गए, और किसी ने सभी अंगों का प्रयोग निरूपण किया तो वह रीति निरूपण हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बारी आती आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात की जाए तो इसे गद्य काल के भी नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक काल में और आपके अन्य काल में क्या अंतर है, तो पुरानी काव्यधारा और आधुनिक काल की काव्यधारा में क्या डिफरेंस है। पुरानी काव्य की जो विशेषताएं थी वो परंपरा के त्याग के अर्थ में थी, जबकि नवीन काव्यधारा जो आधुनिक काल की थी उसके प्रकृति के जो नए चीज हमारे सामने आने वाली है उसका उल्लेख होने वाला था। दूसरी बात कि पुरानी काव्यधारा में श्रृंगारिकता का ज्यादा वर्णन था, आश्रयदाता की स्तुति वंदना में भी श्रृंगारिकता थी, भक्ति काल में भी भगवान के प्रेम संबंध की श्रृंगारिकता थी, ठीक है। रीति काल में तो फिर नायिका सौंदर्य था, लेकिन आधुनिक काल में राष्ट्रीयता का उदय देखने को मिलता है। अगली बार कि आश्रयदाता की मनोस्थिति प्राचीन काव्य में देखने को मिलती है, आश्रयदाता की मनोस्थिति उसकी मनोदशा उस समय के साहित्य में देखने को मिलती है, परंतु आधुनिक काल में समाज की जो समस्या है क्या है, कैसे उस समस्या को पूरा किया जाए, इसकी बातें इस समय की कविताओं की रचनाओं में देखने को मिलता है। अगली बारी कि कवि और काव्य पुराने समय में राजाश्रय में थे, सिर्फ भक्ति काल ऐसा था जहां पर राजाश्रय कवि संत महात्मा हो गए थे, बाकी वीरगाथा काल में भी राजाश्रय था,
रितिका में भी राधा शब्द है, महलों में कैद थे, परंतु ये आपके जो कवि थे, आधुनिक काल के जो कवि थे, ये आधुनिक कालीन कवि जो थे, जनमानस के भाव को पहली बार काव्य में प्रस्तुत करने के बारे में सोचकर जनता के बीच रहा करते थे। आगे समझिए अगली बारी कि जहां पर हमारे लिए आपकी भाषा साहित्य में रीतिकाल तक ब्रज भाषा थी, आधुनिक काल में एक ऐसी बोली जो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, कुरुक्षेत्र जनपद के आसपास बोली जाती थी, जिसे हम खड़ी बोली कहते थे, इसका पहला प्रयोग, जिसका प्रयोग 14वीं शताब्दी में खुसरो ने किया तो था, परंतु 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाचार पत्रिकाओं को जब जन्म दिया तो इसी खड़ी बोली का इस्तेमाल करना शुरू किया। और यही खड़ी बोली जब द्विवेदी जी ने उसे सुधारने का काम किया गया, यही खड़ी बोली फिर क्या बन गई, वर्तमान की मानक हिंदी के नाम से पुकारी जाती है। अगली बारी कि जब आश्रयदाता की स्तुति वंदना में वीरगाथा काल हो जाए, भक्ति काल हो जाए, रीति काल हो, रीति परंपरा के नियमों के प्रयोग किए जा रहे थे, जबकि आधुनिक काल में समसामयिक जो आपकी घटनाएं थी, वो साहित्य का विषय जो है वो बन रही थी, उसका आकलन, उनका स्पष्टीकरण, हर प्रकार की चीजें यहाँ पर स्थान प्राप्त कर रही थी। अगली बात कि आपके रीति काल तक ब्रज भाषा की अधिकता थी, पर यहां से खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस तरह अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल की खासियत क्या थी, हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है, आधुनिक काल को हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के समय से पहले जब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अगर देखा जाए तो 1900 से अब तक को तो आधुनिक काल या गद्य काल कहा ही है, कुछ लोग इसका समय बहुत पहले से लेकर चलते हैं, भारतेंदु युग में 1857 से लेकर चलते हैं। तो इस काल में जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितने भी परिवर्तन हो रहे थे, जो समाज में परिवर्तित करने वाले सबसे बड़े घटक के तौर पर काम कर रहे थे, उसी के क्रांतिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जन्म माना जाता है। टाइपराइटर मशीन थे, पब्लिकेशन हाउस थे, लोगों का मन मस्तिष्क मुखरित होने लगा था, अपनी सोच और समझ से हर व्यक्ति अपने हिसाब से देश को आजाद कराने के बारे में सोचने लगा था। अब भारतवर्ष में भी आजादी किसी एक राज्य की आजादी नहीं थी, किसी एक बोली भाषा की आजादी नहीं थी, हर क्षेत्र का व्यक्ति एकजुट होना चाहता था, और इसी समय साहित्य के क्षेत्र में नई चेतना का प्रभाव देखने लगा। कवि के दो पक्ष है, कला पक्ष और भाव पक्ष। आप बोलोगे कि कला पक्ष क्या होता है, तो कला पक्ष का मतलब होता है अपनी कविताओं को रचना करने के लिए किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार के अलंकारों का, छंदों का, रसों का प्रयोग करता है, वो कवि का कला पक्ष, आर्ट कहलाता है लिखने का। तो भाव पक्ष क्या है, क्या फीलिंग्स को हमसे शेयर करना चाहता है, क्या मनोभाव को हमको बताना चाहता है, तो भाव पक्ष कहलाता है। वैसी लेखकों की होती है कला पक्ष के साथ में शैली। कला पक्ष में भी ये क्या रस अलंकार छंद थोड़ी प्रयोग करेगा, तत्सम तद्भव शब्द है, देशज विदेशज है, मुहावरा लोकोक्ति है, उपसर्ग प्रत्यय है, संधि समास है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, है ना, इन सबको इस्तेमाल करके अपनी लेख के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, तो कला पक्ष हो गया। शैली क्या है, कभी कॉमेडी है तो व्यंगात्मक शैली, प्रहसनात्मक शैली, विचार प्रस्तुत कर रहा है तो विचारात्मक शैली, है ना, इसी प्रकार विवरण कर रहा है तो विवरणात्मक शैली कहलाती है। कुल मिलाकर इन्हीं भाव और कला पक्ष, इन सभी के आधार पर देखा जाए तो अंग्रेजी साहित्य का हम पर तुरंत प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से यहाँ गद्य की जितनी विशेषताएं थी वो सारी हम पर पड़ने लगी, और गद्य की जो विधाएं थी, जो आपकी प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं, यानी कि नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण पत्र, साहित्य डायरी, संकलन, जितनी गद्य की सारी विधाएं हैं, उन सारी विधाओं का जन्म यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि समाचार पत्र पत्रिकाएं जब उद्भव कर रही थी, इस समय भाषा को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। साहित्यिक रचनाओं में न केवल कविताओं को ब्रज भाषा में लिखना छोड़कर अब कविताओं को लिखने के लिए भी खड़ी बोली के प्रयोग किए जाने लगे, जब बड़ी आसानी से पढ़ने लगे। माखनलाल चतुर्वेदी ले लीजिए, सुमित्रानंदन पंत ले दीजिए, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इनके द्वारा लिखे गए जो आपकी कविताएं हैं खड़ी बोली में लिखा, हालांकि शब्द तत्सम तद्भव देशज विदेशज हो सकते हैं, पर हम उसे पढ़ सकते हैं, जबकि ब्रज भाषा
अवधि भाषा, राजस्थान में लिखे गए भाषा को पढ़ने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी था। और इस आधार पर देखा जाए तो गद्य की विधाओं के जन्म की वजह से भी इसे गद्य काल के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हो गया? इस समय की विशेषता क्या थी तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल की सारी विशेषताएं 1920 का फ्लेवर लिए हुए हैं, है ना। मतलब अगर आपने आधुनिक काल याद रख लिया और अगर आपको बोलते भारतेंदु युग की विशेषता, तो समय ध्यान रखिएगा भैया, जब तक आजादी नहीं हुई ये सब काम है कि जैसा है, थोड़ा थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे ना, है ना। जब तक आजादी नहीं मिली है तो देशव्यापी रचना तो है ही, राजनीतिक पक्ष का प्रभाव है ही, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आधुनिक कविता का विकास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया गया, जिसमें भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग को जागरण व सुधार काल, छायावादी युग को उसके प्रवर्तकों के हिसाब से जयशंकर प्रसाद के आधार पर प्रसाद युग कहते हैं। इसी प्रकार कभी कभी पंथ युग, निराला युग के नाम से जानता है। और छायावाद के जनक छत्तीसगढ़ में किसको मानते हैं, मुकुटधर पांडे को, ठीक है। प्रगतिवादी युग, जहां पर साम्यवादी युग भी कहलाया। प्रयोगवाद मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है। नई कविता जिसे नवलेखन युग कहा जाता है। इस समय ब्रज और खड़ी बोली गद्य का रूप बनी और गद्य काव्य को एक तात्विक विवेचन के तौर पर प्रस्तुत किया जाने लगा। काव्य खंड क्या थी, इस समय भी कविताएं लिखी जा रही थी ना। इस समय की कविताओं में पुरानी जो काव्य धारा, जो रीति परंपरा से रीति काल में चली आ रही थी ना, उसका प्रयोग जो किया जा रहा था, साथ ही नई कविता धारा का उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसी में प्रथम उत्थान काल 1925 से 1950 को माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार उसे भारतेंदु युग भी कह सकते हैं। द्वितीय उत्थान काल, जहां ग्रामेटिकल परफेक्शन दिया गया, लोगों को जागृत कराने के लिए भाषाओं पर बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए, तो द्वितीय उत्थान काल 1950 से 1975 को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। और तीसरा 1975 से आगे को देखा जाए तो कुल मिलाकर हम यहां तक की चीज को प्रथम उत्थान काल और 1950 से 1975 को द्वितीय उत्थान काल और 75 से आज तक को हम आपके क्या मानते हैं, तृतीय उत्थान काल मानते हैं। इस समय की विशेषता क्या थी, संपूर्ण रचना में देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है। जितनी भी देशव्यापी रचनाएं थी, है ना। अब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के थे, रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के थे, परंतु सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए जो स्लोगन दिया वो किसमें कहा, उन्होंने हिंदी में कहा, जिसको किसमें लिखा गया, खड़ी बोली में लिखा गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देशव्यापी देश को आजाद कराने वाली बातों का उल्लेख इस समय की संपूर्ण रचना में देखने को मिलते। इसलिए तो राष्ट्रकवि का उपाधि भी दिया गया, इसलिए इसे राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई थी। किसे, सुमित्रानंद पंत को, किसको दिया गया था, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। माखन चतुर्वेदी की रचना थी पुष्पत अभिलाष, जो उन्होंने बिलासपुर के जेल से लिखी थी, ठीक है ना। जो समाज की सच्चाई है उस सच्चाई को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जाने लगा था। खड़ी बोली का प्रयोग करने के विभिन्न वाद का जन्म हुआ। भारतेंदु युग में इसकी शुरुआत हुई, इसे भारतेंदु युग बना। द्विवेदी युग में सुधारा गया, इसे द्विवेदी युग बना। आपके रामचंद्र शुक्ल के बाद में जो आपके समय में आए, आपके छायावादी युग बना। और इस तरह विभिन्न प्रकार के वाद का जन्म, सामाजिक चेतना की भावना पर बल दिए लगे कि समाज के उन्नति और उत्थान को लेकर जाना है तो समाज में सबको हर रूप से एक समान होना जरूरी है। आर्थिक समानता पर बल दिए जाने वाली बात को यहाँ पर रखा गया। विभिन्न प्रकार की शैलियां, कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी हुकूमत के दासता की ओर चला जा रहा है या फैशन परस्ती की ओर बढ़ता जा रहा है कि जींस पैंट टॉप पहन लिया और घूमने लगा, तो व्यंग के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया, ज्यादा मत उड़ना, है ना। आधुनिकता की परिवेश में ऐसा चादर ओढ़ लिया कि अपनी कला संस्कृति ही भूल गए, तो व्यंगात्मक और अलग अलग प्रभाव से अलग अलग शैलियों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को बल दिया जाने लगा। सामाजिक समानता देखने को मिली, साथ ही मनुष्य के अहम की भावना कि आत्म सम्मान के लिए, आपका स्वाभिमान के लिए अब तुम्हें लड़ना है, अब यह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पड़ोसी के नहीं, अब देश की अहम की बात है, इस तरह की रचनाएं इस समय अंजाम प्राप्त करती है। नए एग्जाम्पल देने लगे, यहाँ का कवि नया नया एग्जाम्पल देने लगा कि बहुत हुआ नायिका का चेहरा चांद के समान खूबसूरत। ब्लैक ब्यूटी भी कोई चीज होती है ना, कि चेहरा कितना कसा हुआ काले बैगन सा। अब एक नायक जो रीति काल में श्रृंगारिकता का वर्णन कर रहा है कि मेरे दिल के टुकड़े ऐसे हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, 50 प्रकार के टुकड़े, ना मेरे सपने ऐसे टूटे जैसे भुना हुआ कोई पापड़,
कहेगा कभी क्या कहते, काश अगर मैं तोता होता, उन्मुक्त गगन में उड़ता होता, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, वाह क्या मजा आता। आजकल कभी आधुनिक कहने का, काश अगर मैं तोता होता, काश अगर मैं तोता तो क्या होगा, तोता ही तो होता है ना। चुंगम सी मोहब्बत लागे फीकी फीकी, पहले लागे बड़ी मीठी, अरे बाबा बाद में लागे फीकी। तो इस समय के जो कवि थे वो नए उदाहरण देने लगे थे कि अब हर चीज नवीनता की पथ में आगे बढ़ने लगी थी, तो जो उपमान जिससे तुलना की जा रही है वो नए नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होने लगे। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। यहाँ जब कवि था अपनी बात को कहने के लिए वो प्रकृति का सहारा लेने लगा। अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर जन्म माना जाता है। तो उस समय कवि अपनी मन की कल्पनाशील बातों को, कविताओं को मनस्वी रूप में प्रकृति के माध्यम से भी प्रस्तुत करने का प्रयास करके, कल के नुमाइश में मुझे चिथड़े पहने हुआ एक व्यक्ति मिला, कल के नुमाइश में मुझे चिथड़े पहने हुए एक व्यक्ति मिला, मैंने पूछा परिचय तुम्हारा क्या, बोला मैं वर्तमान का भारतवर्ष हूं। तो प्रकृति के माध्यम से अपनी कविताओं को, विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जो छंदबद्ध रचनाएं थी अब मुक्तक छंद के प्रयोग होने लगे, नए उदाहरणों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया लगा। जो शोषक वर्ग थे, पूंजीपति और अमीर जो वर्ग थे, जो दलित और आपके समाज के गरीब लोगों को जो शोषण किया करते थे, तो शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना और शोषित वर्ग के प्रति सिंपथी का फील देखने को मिलता है। भाषा का मनोवैज्ञानिक चित्रण और भाव उनके मन के जो थे उसे हर एक सरल रूप में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। हास्य व्यंग की प्रधानता देखने को मिलती है कि फैशन परस्ती की ओर बढ़ते व्यक्ति को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए हास्य व्यंग से संबंधित प्रभाव देखने को मिलता है। काव्य अनुवाद की परंपरा रही, काव्य अनुवाद की संस्कृत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, कभी संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन, उसी तरह अंग्रेजी साहित्य का हिंदी में अनुवाद। तो काव्य साहित्य जो थे उनकी यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, अनुवाद की परंपरा का जन्म देखने को मिलती है। समाज की उन्नति के लिए जो बाधक तत्व हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याएं से लोगों को अवगत कराने के लिए कवि गोष्ठियों के आयोजन किए जाने लगे, ताकि व्यक्ति को बुलाकर बैठाकर समझाने का प्रयास किया जाए। कहते हैं इस समय साहित्य की जब रचना रची जा रही थी तो नए नए प्रयोग जो है वो देखने को मिलते हैं। काव्य गोष्ठियां हुई, इसका प्रयोग अलंकारों के साथ साथ अब गद्य की विधा में मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांशों का एक शब्द, ऐसे तत्सम तद्भव शब्द भी साहित्य के जगत में स्थान जो है वो रखने लगे थे। साथ ही यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार करने की बात की गई, क्योंकि भारत की आजादी की बात थी, राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था। साथ ही वर्णन प्रधान कविताएं लिखी गई, रूढ़ी परंपरा का विरोध किया गया, प्रत्येक मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना की बात की गई। जो भारत का अतीत था उसके वर्तमान में उसका अनुकरण करने के लिए, तो अतीत के गौरव का गान करके वर्तमान में लोगों को उनके कर्तव्य से जागृत कराने का प्रयास जो है वो किया जाता था। खड़ी बोली का सबसे शुद्ध रूप आधुनिक काल में द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। यही वजह है कि द्विवेदी युग को हम सुधार काल के भी नाम से जानते हैं। अगली बारी कि हर एक व्यक्ति की प्रधानता थी, चाहे वह व्यक्ति कोई मजदूर क्यों ना हो। आपने पढ़ा होगा मैं मजदूर हूं, है ना। अब यहाँ राजा नहीं है, यहाँ कोई पूंजीपति वर्ग नहीं है, एक छोटा छोटा सब्जेक्ट कि कारखाने में काम करने वाले मजदूर भी अब सब्जेक्ट बनने लगा। चाय का टूटा हुआ प्याला भी अब विषय बनने लगे। टूटी हुई चूड़ियां हो या किसी आईने पर लगी हुई नायिका की बिंदी क्यों ना हो, छोटी छोटी चीज भी अब साहित्य का विषय जो है वो बनने लगी थी। नारी जो रीति काल में केवल यूज एंड थ्रो की चीज बन गई थी, अब नारी के आदर्श, उसके अस्तित्व और उसे गौरवपूर्ण बातों, वो नारी जो केवल विलास वस्तु बन गई थी, अब नारी को सती अनुसुईया सीता जैसा भी बताने का प्रयास किया गया था। कुल मिलाकर नारी के आदर्श और उसके गौरव रूप का चित्रण भी इस समय की रचना में देखने को मिलता है। प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब है कि जब प्रकृति को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए बताया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। कवि अपने मन की भावनाओं को कविताओं के माध्यम से बताते हैं। आपने पढ़ा होगा एक वो क्या संध्या सुंदरी, पढ़ा है
हिंदी मीडियम वालों ने स्पेशली संध्या सुंदरी है ना, वो एक परी से कंपेयर करते हैं इवनिंग टाइम के पीरियड को, है ना। तो उसकी लाक्षणिकता और रहस्यवादी चेतना के साथ साथ नए नए रूप में आधुनिक काल का जन्म माना जाता है। आर्थिक समानता पर बल दिए जाने लगे, क्योंकि जहां पर आर्थिक विषमताएं होती है संघर्ष की शुरुआत वहीं से होती है। और इस तरह आर्थिक समानता के लिए क्रांति का स्वर गूंजने लगा, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति के स्वर सुनने लगे, भगवान के प्रति अनास्था देखने को मिलती है। भक्ति काल में जिस भगवान ने सगुण के माध्यम से रामाश्रय कृष्णाश्रय का जन्म हुआ था, अब ये कहता है कि अगर भगवान सबके लिए एक है तो मैं गरीब हूं अमीर क्यों, वो अमीर है तो अमीर होता जा रहा है, मैं गरीब हूं तो और गरीब क्यों, आखिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, तो अगर भगवान है तो ऐसी परिस्थिति क्यों, तो कोई भगवान नहीं, ईश्वर के प्रति अनास्था। कर्म के भाग्य के बदले कर्म पर बल देने वाली रचनाओं को अंजाम दिया। रामधारी सिंह दिनकर का देखा होगा, है ना। तो कुछ कवि ऐसे थे जो भाग्य को छोड़कर कर्म के प्रति बल देने वाली कर्मवादी रचनाओं को रचने का अंजाम देते थे। तो भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर बल दिया जाने लगा था। इसके लिए लोगों को समझाने के लिए साहित्यिक भाषा और सरल होने लगी, और साधारण व्यक्ति भी समझ सके, इसे बड़ी सरल सहज और सटीक ऐसे हिंदी के शब्द के प्रयोग किए जाने लगे जिससे व्यक्ति उसको समझ सके। क्योंकि साहित्य एक ऐसी रचना है जो किसी के भी बेडरूम में जाकर उसकी प्रेयसी के सीने से लगकर सो सकती है, बाकी किसी के औकात नहीं है उसके बच्चे के सिवा कि उसकी छाती से लग के सो जाए। एक नायिका की बात की जाए या एक नायक की बात की जाए या परिवार के किसी सदस्य की बात की जाए, जब तक वो किसी को परमिट नहीं करेगा तब तक वो उसको आलिंगन में बांध नहीं सकता। ये साहित्यिक रचना ऐसी है कि उसके सिरहाने में तकिए के नीचे, उसके बगल में, उसके छाती के ऊपर भी लद के सो जाती है आदर। क्योंकि रचनाएं ऐसी है जो उसको उस स्थिति में वह पड़ता है जब उसके संपूर्ण जीवन में जो ताम झाम उसने दिन भर किए, सुकून पाने के लिए कभी ज्ञानवर्धक तो कभी मनोरंजन के लिए, कभी समय के लिए, हर एक रूप में उसका इस्तेमाल करता है। तो यही है कि यहाँ पर सभी व्यक्ति की भावनाओं का खुला चित्रण देखना। जो पुराने उदाहरण थे उस उदाहरण के बदले में अब नए उदाहरण प्रस्तुत किए जाने लगे। अबे सुन बे गुलाब, रंगो पाई तूने आग, खाद का तूने चूसा अपशिष्ट, डाल पर इतरा रहे है कैपिटलिस्ट, ऐसे शब्द भी अब कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत होने लगे थे। जब धीरे धीरे व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने लगा तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में बढ़ने लगा, तो ऐसी परिस्थितियां आ गई जब वहां वो यौन भावनाओं से संबंधित चीजों को भी साहित्य में स्थान जो है वो देने लगा था। निराशावाद हर तरफ देखने को मिलती है कि अगर देश आजाद हो गया 1950 के बाद में, 45-47 के बाद में, तो देश आजाद हो गया तो वही मनोस्थिति क्यों है अभी भी, हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए अब पूंजीपति के गुलाम हो गए, पूंजीपति तो अलग हम नेताओं के गुलाम हो गए, तो आजादी आखिर मिली कहां, मैं जहां उस समय था आज भी स्वयं वही खड़ा पाते हैं, तो ऐसी निराशा थी। ऐसी निराशा में कोई व्यक्ति ऐसे थे जो आत्महत्या संबंधी अंजाम भी दिया करते थे, तब जन्म हुआ था हालावाद का, कि भूतकाल को छोड़ो, भविष्य की चिंता को छोड़ो, मस्त रहो यार, जो जिंदगी मिली है वर्तमान को ही जियो, हाल ही के समय को एंजॉय करो, तो हालावाद का जन्म हुआ। इसी प्रकार बुद्धिवाद और अहम की प्रधानता रही, लघु मानववाद यानी कि मनुष्य के लिए हर एक छोटी सी छोटी चीज भी साहित्य का स्थान प्राप्त करती है। नई कविता जब 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, छायावादी युग के बाद की अगर हम बात करें, प्रगति प्रयोगवाद के बाद की बात करें, नई कविता 1950 के बाद, इस समय ऐसा था जहां कवि अपने कथन और शिल्प को नई नई विशेषता के साथ में नए नए प्रयोग से प्रस्तुत करते थे। जो उन्होंने पुराने समय में जो अनुभव प्राप्त किया था ना, उस अनुभव को अब लोगों को समझाने का प्रयास जो है वो किया करते थे। हर एक क्षण के महत्व को बताने वाली बात, हर एक व्यक्ति के अहम की प्रधानता देने वाली बात नए उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। इस समय एक ऐसे उभरते हुए कवि थे जिसे हालावादी कवि कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने भूत और भविष्य की चिंता से परे वर्तमान समय को जीने के लिए उसको एक विशेष रूप में इसी लोक में डूब जाने का एक माध्यम मदिरा को बताया। इनके द्वारा मस्ती और प्रेम भरे काव्य की रचना जो है वो की गई थी, मधुकलश, मधुबाला,
है ना, निशा आमंत्रण, ठीक है। कुछ ऐसे कवि थे जो रहस्यवादी माने जाते हैं, ऐसी रचना जिसमें चिंतन और ज्ञान और आध्यात्म और दार्शनिकता पर बल देने वाले प्रयास की रचनाएं थी। अज्ञात सत्ता जो हमें दिखाई नहीं देती उसके प्रति प्रेम का अनुभव, कभी कभी उसके प्रति प्रेम हो जाना, ये रहस्यवाद को जन्म देने वाला मानता है। और 1950 के बाद आज तक कविताओं में नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं, जहां पर आधुनिक कालीन कवियों ने जहां पर यौन भावना से संबंधित चीजों का वर्णन किया था, अश्लील चित्रों को भी साहित्य में उस समय स्थान जो है वो दिए गए थे। तो जो आपके आधुनिक कालीन है, हर युग में चार पांच, मतलब जब तक आजादी नहीं हुई है तब तक की सारी चीजें एक जैसी है, जैसे कि आर्थिक समानता पर बल, सामाजिकता के स्तर को ऊंचा उठाने वाली बात, ठीक है ना। तो चार पांच पॉइंट ऐसे हैं जो आपके प्रगतिवाद के और प्रयोगवाद तक भी उसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं अगर आपको पूछता है तो, ठीक है। ये हुए आधुनिककालीन कवि, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब भारतीय युग की विशेषता क्या थी, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग, समस्या पूर्ति। अगर उस नोट्स में ही है वो मैंने पूरा वहां पर मिला के दे दिया है ना, और यहां मैं उसको अलग अलग चीज में मैं डिफाइन कर दे रही, ठीक है, मैं सिर्फ उसको रीड कर देती हूँ, परेशान नहीं होना। अगर आपको कहते हैं आधुनिक काल की दो विशेषताएं लिखी तो वहां से उठा के लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहें भारतीय युग की दो विशेषताएं तब के लिए, अगर कह देते द्विवेदी युग की दो विशेषताएं तब के लिए, तो मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, सिर्फ एक जैसा ही है ना, ये लास्ट टॉपिक है तो मैं क्लास छोड़ दूंगी, ठीक है, मतलब उसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना। मैं इन्हीं के तरफ देखने वाली थी, क्या ही बताओ, कुछ मत बताओ, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं बहुत ज्यादा टफ वर्ड यूज नहीं करती, बहुत क्लिष्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो लिखना तो हिंदी में ही पड़ेगा मेरे लाल, है ना। अब बिजी हो तो नहीं लिख सकते ना, व्यस्त हो ही लिखोगे, है ना। होता क्या है कि हमारे जैसे जो चलते रहती है चीजें उसकी वजह से हम उसी में ढल जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको रीड कर रही हूँ, इसलिए अगर आपको कह दे कि प्रयोगवाद की तीन विशेषताएं लिखिए तो परेशान मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ जो जो आपके पॉइंट्स हैं सभी काल में एक जैसे हैं, परेशान नहीं होना। पर हाँ, भारतेंदु युगीन कवि, द्विवेदी युगीन कवि, छायावादीन कवि, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, इसमें भी एक मामला है ना, कैसे, अब अगर भारतेंदु युग के कवि जिन्होंने शुरुआत करी कितने साल तक, मान लीजिए 20 साल तक, ठीक। अब 20 साल तक अगर उन्होंने काम करा तो उसके बाद भी तो कोई ऐसे होते हैं ना कि उसके बाद भी उसमें बने रहते हैं, तो जो भारतेंदु युग में थे वहां के द्विवेदी युग में भी आएंगे ना। भारतेंदु युग में थे, हरिश्चंद्र पत्रिका ने शुरुआत की थी सरस्वती पत्रिका की, तो द्विवेदी युग जी भी थे ना। अब भारतेंदु युग में भी आ गए द्विवेदी जी, और उन्हीं के नाम से युग चला 1920 से लेकर, है ना, तो आपके द्विवेदी युग में भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, ध्यान लेकिन रखिएगा, ठीक। राष्ट्रीयता की भावना रही, सामाजिक चेतना के विकास पर बल देने वाले प्रभाव थे, हास्य व्यंग पूर्ण वाली रचनाएं थी, ताकि जब मना स्थिति समाज के लोगों में आपको दुख दरिद्रता की थी थोड़ा सा उनको थोड़ी सी क्या मिल सके, शांति मिल सके। समस्या की पूर्ति, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, विभिन्न प्रकार के काव्य रूपों का वर्णन किया गया। अब काव्य रूप का वर्णन के अंतर्गत क्या आते हैं, जो आपकी शैली थी उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव वाली रचनाओं को अंजाम दिया। काव्य अनुवाद यानी कि जो आपके ट्रांसलेशन वर्क थे, मुहावरे लोकोक्तियां अब गद्यखंड में स्थान प्राप्त करने लगी, अलंकारों का प्रयोग कवियों के द्वारा प्रयोग जिसमें मानवीकरण अलंकार विशेष तौर पर स्थान प्राप्त करता है, छंदों के प्रयोग यहाँ भी देखने को मिलते हैं। अगली बारी आती है आपके युग में आपके संरचनाकार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और श्रीनाथ पाठक भारतेंदु युगीन कवि कहलाते हैं, ठीक है। इनकी रचना मैं स्लाइड में दे दूंगी बेटा, वैसे भी ना आपके जो ई लाइब्रेरी है ना उसमें मेंशन है ना, ये ई लाइब्रेरी में मेंशन, ये वाला हिस्सा नहीं, इसके बाद वाला हिस्सा, और यहाँ भी है और वहां भी है, तो परेशान मत होना, ठीक है। ये जो मैं अलग से बता रही हूँ ये आपके नोट्स में भी नहीं है, ठीक है, और ना ही आपके ये आपके इसमें है आपके ई लाइब्रेरी में, लेकिन इसी का एक शॉर्ट फॉर्म आपको ई लाइब्रेरी में मिलेगा जो मैं स्लाइड में लाई हूँ, मैं आपको बताऊंगी, तो हड़बड़ाना नहीं, परेशान नहीं होना, क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए जो मैंने यहां पर बताया है ये सारी चीजें मेंशन है आपके नोट्स में, एक एक पॉइंट, एक लाइन में दो पॉइंट मेंशन है,
है ना, तो चीजें अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब बारी आती किसकी, द्विवेदी युग। देशभक्ति की भावना नहीं थी, क्यों, क्योंकि 1900 से 1920 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब सरस्वती पत्रिका की शुरुआत की, एक वर्ष तक भारतेंदु समिति के मंडल के द्वारा उसका जो है वो प्रकाशन किया जाने लगा। उसके बाद जिम्मेदारी दी गई एज एडिटर किसको, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब जिम्मेदारी दी गई तो कहते हैं, कुछ कहते हैं 1903 से 1918, कोई कहता है 1900 से 1918, कोई कहता है 1903 से लेकर 1920, मतलब लगातार 18 से 20 वर्षों तक एज एडिटर उन्होंने काम किया था। और कल ही मैंने बताया था कि अनुशासन प्रिय थे, तो इनके जो मंडल थे उसके अंदर ऐसे कवि थे जो अनुशासन प्रिय कवि थे, मतलब कि उनके अनुसार जो कवि थे वो उनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के बनाए गए अनुशासन के आधार पर काम करते। तो भारतेंदु के अनुसार अगर बात की जाए तो शुक्ल के अनुसार वर्तमान गद्य और साहित्य के नए युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी नवजागरण के इस को नाम पर इस साहित्य का समय जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना गया। अगली बार कि रीतिकालीन जो दरबारी संस्कृति थी, जिसे दरबारी संस्कृति का साहित्य कहा जाता था, अब यह आधुनिक काल में जन साधारण व्यक्तियों के मध्य की बात हो गई थी। आम आदमी, आम साधारण जनता भी साहित्य का हिस्सा बनने लगे थे, इसलिए इसे लोग पुनर्जागृत हो रहे थे, इसे डॉक्टर नगेंद्र भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अगली बारी के सामंत मुख, सामंत जो सरदारी शासक थे उनके आधार छोड़कर अब जनोन्मुख, सामंत उन्मुख से हटकर, सामंती जो शासन थे राजा थे उनसे हटकर जन साधारण के लिए जनोन्मुख यानी कि जनता के मुख की बातें, जनता के मन की बातों को साहित्य में स्थान दिया गया था, इसलिए आदर्शवादी रीति युक्त परंपरा का काव्य भी ये भारतेंदु युग कहलाता है। ठीक है ना, भारतेंदु युग का भाषा का जो क्षेत्र था वो आपके द्वैत वर्तमान और पद्य हेतु ब्रज का प्रयोग था, और आपके गद्य के लिए खड़ी बोली के विशेष तौर पर प्रयोग थे, पर धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग पद्यात्मक रचनाओं के लिए भी किया जाने लगा था। ठीक है ना, जब भारतेंदु मंडल की बात हुई थी तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ भारतेंदु युग जो कवि थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है ना, इसी प्रकार आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी भारतेंदु मंडल के सदस्य कहलाते। अब द्विवेदी युग, इस समय दो प्रकार के वर्ग के कवि थे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए इनके जो सभी समस्त कवि थे इनके जमाने में वो दो प्रकार के थे, एक जो उनके अनुशासन से बंधकर रचना करते थे और एक जो उनकी बातों को मानते नहीं थे। तो अनुशासन मतलब कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो द्विवेदी युग के मंडल के कवि थे अनुशासन की धारा वाले, और दूसरे थे आपके बाह्य प्रभाव से स्वच्छंद रूप से अपनी कविताओं को रचने वाले। शुक्ल जी कहते कि यहीं से नई काव्य धारा की क्या हुई, शुरुआत हुई, क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त कहते कि आदर्श परंपरा जो चली आ रही थी यहीं से कुछ लोगों ने उन नियमों को तोड़ना जो है वो शुरू कर दिया था। और इस तरह पर देखा जाए तो सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन किया गया था तो उसके शुरुआत चिंतामणि घोष के द्वारा नाम रखा गया था। बाद में इसे सरस्वती पत्रिका के, जब मैं बताऊंगी कि सरस्वती पत्रिका एक सचित्र पत्रिका थी, 5 प्रकार के चित्र थे उसमें, बीच में सरस्वती माता का, ऊपर एक आधुनिककालीन कवि और एक भक्तिकालीन कवि, और एक तरफ आधुनिककालीन कवि और एक तरफ भक्तिकालीन कवि का फोटो था। ठीक है, दो कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुशासन की धारा से बंधे हुए कवि और स्वच्छंदता वाले कवि की दो श्रेणियां वाली रचना थी, और एक पक्ष में अनुशासन से बंधे कवि वो थे जो नियम बनाए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रामेटिकल परफेक्शन और अपनी बातों को स्पष्ट करने वाले शैली के प्रयोग वाले, उस नियम से बंधी हुई रचना थे। तो यहाँ पर भी देशभक्ति की भावना थी, अंधविश्वास और रूढ़ी का विरोध किया जाने लगा, अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार, हर एक विषय को वर्णन करके एक रचना, मानव के प्रति प्रेम, प्रकृति का बहुत सुंदर सा वर्णन, अतीत के गौरव का गान और हास्य व्यंग प्रधान वाली रचनाएं थी। खड़ी बोली को सबसे ज्यादा परिष्कृत किया गया और यह एक सुधार काल का नाम लेता है। विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग जो है वो किए गए थे। इस समय के कवि के सूत्रधार मैत्रीचरण गुप्त को मानेंगे, दूसरे हैं आर्द्र सिंह उपाध्याय, इनका निकनेम हरियोध जी भी है,
राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और स्वयं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले आते हैं आपके छायावाद। कहते हैं जब प्रकृति की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती तो छायावाद होता है। उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा जो है वो दी है। हर एक व्यक्ति की प्रधानता वाली बात 1922 से 1936 को छायावाद माना जाता है। ठीक है, सौंदर्य वर्णन देखने को मिलता है तो प्रकृति का सबसे ज्यादा खूबसूरत वर्णन अगर किसी युग में हुआ है तो छायावादी युग में प्रकृति के सबसे ज्यादा खूबसूरती का वर्णन देखने को मिलता है। प्रकृति का सबसे ज्यादा मानवीकरण इसी रूप में देखो, चाहे वो आपके सोम जोही हो, चाहे वो हमारे लिए आपकी जो आपकी संध्या सुंदरी हो, ठीक है ना, ये सभी हमारे देख रहे। नारी के आदर्श और गौरव में रूप का चित्रण, देश प्रेम की भावना तो थी, मानवतावादी अलंकारों के विशेष प्रयोग यहाँ पर देखने को, अधिकांशतः यहाँ पर आपके अर्थ अलंकार की प्रचुरता देखने को मिलती है। भाषा में नए प्रयोग थे, लाक्षणिक रूप से अपनी बात को इनडायरेक्टली माध्यम से कहने की बात की गई है, मुक्त छंद के प्रयोग और रहस्यवादी चेतना देखने को मिलती है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद, इसलिए तो प्रसाद युग तंत्र युग के नाम से भी इसे माना जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगली बारी आ जाती है किसकी, प्रगतिवाद। हर व्यक्ति प्रगति की ओर बढ़ना चाहता है, समाज भी विकास परंपरा में बढ़ने के लिए प्रगति पथ की ओर जाना चाहता है ना। तो प्रगतिवाद की बात की जाए तो शोषक के प्रति विद्रोह और शोषित वर्ग के प्रति सिंपैथी का फील देखने को मिलता है। आर्थिक और सामाजिक रूप पर अगर सब वर्ग अब समान रहेंगे तो संघर्ष ही नहीं होगा, इसलिए उनकी समानता पर बल दिए जाने वाली कविता रची गई। क्रांति के स्वर फूटने लगे कि हर व्यक्ति अपने मन की बात को कहने का प्रयास करने लगा। समाज का जो निम्न वर्ग था, मजदूर, भिखारी, मैकेनिक, है ना, ये भी अब साहित्य के विषय बनने लगे थे। उनके प्रति करुणा का प्रभाव देखने को मिलता है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, है ना। इसी प्रकार नारी शोषण के विरुद्ध मुक्त करो है नर, मुक्त करो अबला की नारी को, मुक्त करो, ईश्वर के प्रति अनास्था। समाज का जो यथार्थ है, ऊंच नीच, अमीर गरीब जितने भी है, उसका खुला चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। नए उदाहरण प्रस्तुत किए गए, भाग्य की अपेक्षा कर्म पर बल देने वाली बात, सरल सहज भाषा के प्रयोग जो है वो किए जाने लगे थे। इस समय देखिए फिर जयशंकर प्रसाद आ गए, पंत आ गए, दिनकर जी आ गए। दिनकर जी ने देखिए कितनी सारी रचना रची, ये हमेशा मोटिवेशनल वाली रचना ज्यादा रचते थे, गजानन माधव मुक्ति बोध और आपके नागार्जुन। ठीक है, इसके बाद बारी आती है प्रयोग। प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, प्रगति का मतलब है विकास परंपरा में आगे बढ़ना। प्रयोग का मतलब होने के वजह से इस काल को क्या कहा गया, प्रयोगवाद। नए नए प्रयोग किए जाने लगे साहित्य में। जब हम बोलते हैं ना कि जो आपके प्रगति में हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो चीज उसको लेकर चलते हैं, यहां हम नयापन लाते हैं, इसलिए प्रगति की ओर बढ़ रहे थे तो प्रगतिवाद बना, और नए नए प्रयोग किए जा रहे थे कविताओं में तो ये प्रयोगवाद कहलाया। क्लियर हो गया? ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल एज कह सकते हैं अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो। ठीक है, तो नवीन उपमान के प्रयोग किए गए। उपमान का मतलब होता है हम लोग तुलना वगैरह करते ना, तो नए प्रयोग इस्तेमाल किए गए। मैं बोला ना मैंने एग्जाम्पल की, मेरे दिल के टुकड़े ऐसे हुए जैसे भुना हुआ कोई पापड़, है ना, ये आपके नए एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है ना, यौन भावनाओं का खुला चित्रण प्रस्तुत करने के लिए अश्लील चित्रों को, नग्न चित्रों को भी अब साहित्य में स्थान जो है वो दिया जाने लगा था। हर एक बुद्धिवाद की प्रधानता, हर एक व्यक्ति का बुद्धि है बशर्ते वो उसका सही इस्तेमाल कर ले। तो अगर वो अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है तो शायद दुनिया आगे की ओर बढ़ेगी। तो हर बुद्धि का प्रभाव, निराशावाद की प्रधानता, हर एक मनुष्य के मन के महत्व, ईश्वर के प्रति आस्था, अहम और आत्मसम्मान से आत्मस्वाभिमान वाली बातें, प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव, मुक्त छंद के प्रयोग और व्यंग की प्रधानता यहां देखने में। समय था 1943 से 50 का। ठीक है, ये एक ऐसा समय जब अपना देश आजादी के कुछ ही वर्ष के आगे आने वाला था, अपनी आजादी का समय, इसलिए हर एक व्यक्ति को समझाने के लिए हर एक तरह से नए नए प्रयोग करके प्रयोगवाद को जन्म दिया गया था। प्रयोगवादी कवि में सच्चिदानंद हीरानंद रासायनिक गए हैं। प्रथम पार सप्तक से इसकी शुरुआत हुई थी, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की शुरुआत जो है प्रथम पार सप्तक, और द्वितीय पार सप्तक एक समाचार पत्रिका थी ना, वहां से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मित्र और गिरिजा कुमार माथुर इस समय के कवि हैं। इसी प्रकार नई कविता 1950 से अब तक,
देश की आजादी के बाद मैं उदाहरणों के प्रयोग करके अपने अनुभव को लोगों तक साझा करने का प्रयास किया गया। हर एक क्षण के जीवन के महत्व को बताने वाली कविताओं को अंजाम दिया गया। निराशावाद की प्रधानता थी जिसकी वजह से व्यक्ति क्या कर रहे थे, आत्महत्या जैसी घटनाक्रम को अंजाम देने लगे थे। इसमें ईश्वर के प्रति अनास्था, कुंठा, संतरास और मृत्यु बोध जैसी भी चीजें उनके मन पर हावी हो जाती थी। तो अनुभव की सच्चाई, अहम के महत्व की बातें प्राचीन रूढ़ों के तो सिंपल एक जैसा ही सभी जगह 19-20 के फर्क है, ठीक है। इस समय के कवियों में आते हैं आपके, वही देखिए, धूमिल, नरेश मेहता, भारत भूषण अग्रवाल। अब बारी आती है किसकी, आपकी हालावाद। हालावाद प्रेम और मस्ती का काव्य है। लौकिक प्रेम यानी कि जो सांसारिक प्रेम है इसको बहुत महत्व दिया गया है। साथ ही प्रेम का अनुभव को प्राप्त करने के लिए मदिरा में डूब जाने की बात कही है, ठीक है। निराशा अगर पलायनवादी कि निराशा अगर है तो उससे दूर होने का सबसे बड़ा माध्यम है भाग जाओ वहां से, और कहां जाओ, मदिरालय में। कौन बुला रही है, निशा, है ना। कौन आमंत्रण दे रहा है, निशा, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की रचना में मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला और निशा आमंत्रण, एक है रहस्यवाद। शुक्ल जी कहते हैं कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद होता है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद कहलाता है। रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं, रहस्यवाद जीवात्मा की उस मन के अंदर की विशेषता का प्रकाशन है जिसमें दिव्य और अलौकिक शक्ति के साथ में अपने संबंध को वो बताता है। तो फिर रहस्यवाद और छायावाद में अंतर क्या होता है, और ठीक है ना, तो रहस्यवाद क्या, अलौकिक सत्य तो दिखाई नहीं दे रही, उसके प्रति प्रेम का भाव है, परमात्मा से मिलने का भाव है, जिज्ञासा उसको जानने की परिस्थिति है, आत्म परमात्मक में एक हो जाना है और उदाहरणों के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करना है। कौन है रहस्यवादी कवि, कबीर। कौन है जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना करी, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, रहस्यवाद चिंतन को प्राथमिकता देता है, छायावाद कल्पना को प्राथमिकता देता है, ठीक है। यहां ज्ञान की विशेष महत्व है, यहां पर भावना का महत्व है। यह आपके दर्शन शास्त्र पर, दार्शनिकता पर आधारित है, यह प्रकृति पर आधारित है। जो दिखाई नहीं दे रहा उसके प्रति प्रेम का अनुभव है, और जो दिखाई नहीं दे रहा उसके प्रति प्रेम का भाव है। वो अनुभव है, महसूस करना है, और यह सिंपल सा प्रेम करना है। क्लियर हो गया, समझ आया, ठीक। चलिए तो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा, ठीक है।